वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, आप सबका वेलकम है आज की पेस मीटिंग में। तो माय नेम इज तरुण दीप, फिर से आपका होस्ट, और लेट अस नॉट टेक मच ऑफ अवर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। तो सिंदर सर इज ऑल्सो विद अस, सो वेलकम सर, लेट अस गो अहेड विद द मीटिंग, सो ओवर टू यू। ओके जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और आपका स्वागत है आज की पेस मीटिंग में। और जैसा कि हम लोग हर वेडनेसडे को इकट्ठे होते हैं, आज भी हम आपके साथ हैं और काफी प्रोडक्ट्स की और काफी सिस्टम की नॉलेज लेकर। आई होप कि आज की मीटिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। एंड वी हैव वंडरफुल लीडर्स लाइंड अप, उनके पास बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जो कि आज की तारीख के अंदर आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। So without wasting much of the time, I would like to invite first speaker today, and dynamic leader है और growing leader है इस business के अंदर, बड़ी तेजी से हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं call करना चाहूँगा यहाँ पे Mr. रॉबिन कुमार जी को। रॉबिन कुमार on the front please, yes. Okay, good afternoon to all of you, friends. Myself Robin Kumar and my Mrs. Amndeep Kaur, we are both working as assistant professor in a college and running this business part time with our full time jobs with passionate. So mera jo aaj ka topic hai, plan your business, plan your work and work your plan. To hum sochein ki hum is business mein aaye kyun। अगर आप सोचोगे कि हो सकता है आपको किसी ने इस बिजनेस को इनवाइट किया हो और आपने सोचा हो कि चलो जाकर आते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो हो सकता है ये आपको ये बिजनेस क्लिक कर गया हो। तो आप सोचिए कि आपको ये बिजनेस क्यों क्लिक किया और आप क्या पाना चाहते हो इस बिजनेस में। जब आप ये सोचोगे कि आप इस बिजनेस में क्या पाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो पहले कर रहे थे उसमें वो फुलफिल नहीं हो पा रहा होगा, तभी आपने ये बिजनेस के बारे में सोचा, और हो सकता है वो आपका ड्रीम हो। सो अगर आपका कोई ड्रीम है तो ये बिजनेस आपके लिए काम कर सकता है, और उस ड्रीम को जब आप डेट बाउंड कर देते हो तो वो आपका गोल बन जाता है। सो अगर आपका कोई गोल है इस बिजनेस में तभी आप टिक पाओगे, अदरवाइज बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस में, वो विदाउट एनी गोल आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इस बिजनेस में उनको क्या मिल सकता है, वो कैसे इस बिजनेस को अपने लाइफ में बहुत सारा जो उनके ड्रीम्स है वो फुलफिल कर सकते हैं थ्रू दिस बिजनेस। सो उस गोल्स को पाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, जो कि आज का मेरा टॉपिक है। वो गोल आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। सो जब हम गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे ड्रीम कुछ ऐसे होते हैं, हमको लगता है कि ये पूरे नहीं हो सकते। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप अपने गोल को एक बड़ा, जो भी आपका ड्रीम है, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको वो दिखने लग पड़ते हैं, आपको लगता है कि आप वो कर सकते हो। तो मैं आपको इस बिजनेस में यही कहूंगा कि इस बिजनेस का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज प्लानिंग। लोग प्लानिंग नहीं करते अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है बेंजमिन फ्रेंकलिन ने, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने, कोई भी चीज पाना चाहते हो और उसके लिए प्लान नहीं कर रहे, देन आप अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली उस को पाने के लिए, जो प्लानिंग नहीं कर रहे, तो आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें फेल होने के लिए। आप उस चीज को नहीं पा पाओगे अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे। वैसे भी आप सोचो कि आपको वेकेशंस चाहिए तो आप उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको इतनी सुंदर लाइफ मिली है और आपके ड्रीम्स भी हैं, तो क्या आपने उसके लिए कुछ प्लानिंग की है लाइफ में? और मैं आपको बता सकता हूं कि आपके जो भी ड्रीम हैं वो यहाँ पे पूरे हो सकते हैं, अगर आप प्रॉपर उसको गोल सेट करके उसकी प्लानिंग करोगे तो। सो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इसको प्लानिंग में लेके आ सकते हो अपने गोल्स को। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। तो जब भी आप इस बिजनेस में आते हो, जो हो सकता है आप इस बिजनेस में पुराने भी हो, तब भी आप आज से अपना एक गोल बनाइए। आपका 90 डेज गोल होना चाहिए पहला, कि इस 90 दिनों में आपने क्या करना है, ये 90 दिन आप इस बिजनेस में क्या पा सकते हो। उसके बाद आप एक 100 डेज का गोल बनाइए, थोड़ा सा आगे 90 दिन से 100 डेज का गोल बनाइए। देन 1 ईयर का गोल बनाइए कि एक साल में आप इस बिजनेस में क्या पाना चाहते हो। देन उसी को थोड़ा और आगे ले जाके 3 इयर्स का गोल बनाइए, और देन फिर 5 इयर्स का गोल बनाइए। ऐसे आपको, जब आप इन गोल्स को अचीव करोगे तो आपका फेथ बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा इस बिजनेस के रिगार्डिंग, और आपको लगेगा कि जो 5 साल का बड़ा गोल लग रहा था वो आपने तोड़ के जो छोटे टुकड़ों में उसको बांटा है, और वो आपको अब नजदीक लगेगा, और डेफिनेटली आप उसके क्लोज जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप गोल हमेशा वो रखिए जो आपको पता लग, आपका विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर कि आप इस गोल्स को पा सकते हो। और मैं ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं लगता कि इस बिजनेस में हम कैसे, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आप अपनी अपलाइन के पास बैठिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप इन गोल्स को रखोगे और कैसे आप इसको अचीव कर पाओगे। क्योंकि नया जो पर्सन होता है उसको नहीं पता चलता कि कैसे हम गोल रखेंगे, कैसे इसको अचीव करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसे क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है उसके लिए। सो प्लानिंग में क्या क्या आता है कि एक नया बंदा जब इस बिजनेस में ज्वाइन करता है तो उसको हमने क्या करना होता है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना होता है, जो कि एमवे क्या कर रहा है, एमवे आपको एक ऐसा टूल प्रोवाइड कर रहा है कि आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिटेबल कर सकते हो। वो कैसे, जैसे आपको पता है कि जो ये फिस्कल ईयर चल रहा है उस फिस्कल ईयर में एमवे ने क्या किया, एक CSI लॉन्च कर दिया। तो CSI क्या है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, वो जो भी नया पर्सन आता है उसके प्रॉफिट को एनहांस करता है। सो जब कोई नया पर्सन आता है तो उसका इमीडिएट जो गोल होता है वो ये होता है कि वो कुछ पैसा कमाए इस बिजनेस में, ठीक है। तो वो क्या, CSI क्या करता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिटेबल करता है। तो हमारा क्या गोल होना चाहिए, अगर कोई नया पर्सन हमारे नीचे ज्वाइन कर रहा है तो हम उसको मैक्सिमम प्रॉफिटेबल करें और उसको आगे लेके जाएं एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ। क्योंकि एमवे क्या कहता है, एमवे कहता है अगर आप अपना स्ट्रक्चर अच्छा करोगे तो मैं आपको और प्रॉफिटेबल कर दूंगा। तो आगे जो लेवल आता है दैट इज BFI। सो BFI लेवल क्या है कि अगर आप 3 लेग्स के साथ मिनिमम क्वालिफाई करते हो 9% लेवल पे, जो तो आपकी 3 लेग है दैट इज मिनिमम होनी चाहिए 3%, तो आपको 15% का एनहांस मिलता है, जो भी आपकी इनकम है उस पे 15% का एनहांस मिलता है। सो एक नया पर्सन जिसकी इनकम इसमें आते ही काफी सारी इनकम हो गई तो उसका विश्वास बनेगा। सो 90 डेज में मुझे लगता है कि हमें हर एक नए बंदे का एक BFI का गोल सेट करना चाहिए और उसको मैक्सिमम बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर 90 डेज की उसकी प्लानिंग हो जानी चाहिए, उसको फेथ होना चाहिए कि वो ये अचीव कर सकता है। उसके बाद जो भी प्लानिंग होती है उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि विदाउट उसके ऊपर वर्क किए हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हमने नक्शा तो बना लिया घर का, लेकिन कोई मिस्त्री नहीं लगाया, कोई प्लम्बर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो आप क्या सोच सकते हो कि घर खड़ा हो जाएगा? कुछ नहीं खड़ा होगा। सो जो भी हम प्लान आउट करते हैं उसके लिए उसके ऊपर वर्क होना चाहिए प्रॉपर, और वो भी पैशनेटली प्रॉपर वर्क होना चाहिए। आप उसकी कमिटमेंट लो उस पर्सन की, और अगर कोई पर्सन कुछ टाइम हो गया उसका इस बिजनेस में, तो मेरी एक हमारे लीडर बोपराज से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इस बिजनेस में जो आगे भी आएंगे लोग, 2 साल बाद भी आएंगे, शायद 2 महीने बाद भी आएंगे, तो वो भी डायमंड जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस में हमारे लिए कुछ नहीं है क्या? सो जो भी आगे आएंगे लोग, अगर वो डायमंड जा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ है। हमने तो बहुत अच्छा नेटवर्क ऑलरेडी सेट कर रखा है, तो उसका बेनिफिट लें हम और प्रॉपर अपने गोल्स के ऊपर वर्क करें। और गोल विदाउट ए प्लानिंग इज जस्ट अ विश। अगर गोल की प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो वो एक विश की तरह होता है, कि वो एक विश रह जाएगी, काश ये होता, काश वो होता है। हमने देखा होगा कई पर्सन ऐसे मिलते हैं कि काश मेरा बिजनेस ऐसा होता, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की पहले अपलाइन के साथ बैठ के, और उसके ऊपर फिर काम नहीं किया। अगर प्लानिंग की तो काम नहीं किया। सो मैं यही कहूंगा कि हम प्रॉपर प्लानिंग करें और उसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि अगर प्लानिंग करेंगे तो उसके ऊपर वर्क करेंगे तभी हम जो चाहते हैं इस बिजनेस में वो अचीव कर पाएंगे। और अपना जो गोल है, जिस भी कारण आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए थे, और उसको लिखें और उसको अचीव करने की डेट डालें, ताकि डेट डाल के वो गोल सेट हो जाएगा आपका। और अपनी अपलाइंस के साथ उसको साझा करें, उनको बताएं कि मैंने ये गोल रखा है, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप वैसे इस बिजनेस के अलावा किसी बिजनेस में जाओगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करता इस आपके गोल अचीव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रूवन सिस्टम है। आप कोई भी गोल बताओ, आपको यहाँ पे एक ना एक ऐसा पर्सन मिल जाएगा जिसने वो अचीव किए हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो, आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। यही कहते हुए मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, वंडरफुल। रॉबिन जी ने बहुत ही कम समय के अंदर हमें बताया है कि कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए, क्यों हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, है ना। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स द पुअर परफॉर्मेंस। प्लानिंग से ही परफॉर्मेंस अच्छी होती है दोस्तों। और यहाँ पे तो मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपको प्लानिंग करने के लिए लोग भी मिलेंगे, आप उनके साथ बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं अपने भविष्य के बारे में, इस बिजनेस को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच रॉबिन जी। और अब हम बात करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स की। हमारे पास न्यूट्रिलाइट रेंज के अंदर किड्स रेंज बहुत अच्छी रेंज है, जो कि बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो हमारे पास बहुत अच्छे लीडर हैं और जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से आगे फैलाया है और फैला भी रहे हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मैडम रीना गुप्ता, प्लीज। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रीना गुप्ता है और मैं मेरे हस्बैंड विशाल गुप्ता के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। आज बहुत ही प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मेरे को न्यूट्रिलाइट किड्स रेंज के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बीइंग एज ए लेडी सबसे ज्यादा कंसर्न होता है घर की हेल्थ को ठीक रखना, और बीइंग एज ए मदर सबसे पहले बच्चों की हेल्थ के लिए हर लेडी का होता है कि मेरे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे। तो आज के टाइम में सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मतलब हर किसी बच्चे की फैमिली में यही है कि खाता नहीं है, पीता नहीं है, इसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, और सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि वो डाइट इनटेक सही नहीं कर पा रहे तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी ठीक नहीं है। और ग्रोथ को लेके बहुत चैलेंज है। रोज पेरेंट्स देखते हैं कि माता पिता जा रहे हैं डॉक्टर के पास कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, खाता नहीं है, वो लोग क्या कहते हैं आर्टिफिशियल सब कुछ दे देते हैं। बट हमारे पास एक बहुत ही स्मार्ट वे है ना, कि अपने बच्चों की डेली जो नीड की जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू उनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि आज के बच्चे खाने के बहुत बड़े चोर है। बेसिकली सबसे ज्यादा उनका जो मतलब इंटरेस्ट है वो सारा का सारा उसमें फास्ट फूड की तरफ, जंक फूड की तरफ है, और जो कि हमें पता है कि हमारे बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे टाइम में हम अपने बच्चों की हेल्थ का भी कैसे ध्यान रखें, उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी किड्स रेंज है। तो इस किड्स रेंज में सबसे पहले मैं बात करूंगी किड्स ड्रिंक के बारे में। ये बेसिकली किड्स प्रोटीन पाउडर है और ये बहुत ही अच्छा चॉकलेट फ्लेवर के अंदर है, जिसको बच्चे बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट के साथ इंटेक कर लेते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये बेसिकली सोया, ये जो इसके अंदर जो बच्चों को प्रोवाइड करता है सोया प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इसमें बच्चों को मिल जाते हैं। और इसको बच्चे डेली इसको हम लोग बच्चों को कोल्ड या हॉट मिल्क के साथ ट्वाइस अ डे दे सकते हैं। ये प्रोटीन पाउडर के साथ हम डेली बच्चों की जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स की जो भी नीड होती है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की बोन्स, टीथ, हेयर और स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आगे आऊंगी किड्स चूएबल के बारे में बात करूंगी, जो कि हमारे बच्चों की किड्स रेंज में मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं और ये चूएबल फॉर्म में होती है। तो ये बच्चों की इसको हम लोग डेली दे रहे हैं तो हम इंश्योर हो रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम डेली की डेली जितने भी मल्टीविटामिन और मिनरल्स हैं वो उनको कंप्लीटली प्रोवाइड हो रहे हैं। इसके अंदर एक टैबलेट डेली इसको लेने से उनकी 21 विटामिन एंड मिनरल्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है इसका जो फ्लेवर है वो नेचुरल ऑरेंज वनीला फ्लेवर है। इसको बच्चे बहुत मतलब इंटरेस्ट के साथ इंटेक करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल टैंगी फ्लेवर है और इसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर नहीं है, किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और बेसिकली इसमें जो मेन इनका है इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें इन्होंने डाला गया है न्यूट्रिलाइट ट्रॉपिकल फ्रूट ब्लेंड के साथ ये प्रोवाइड कराया गया है डेली। ये इसकी मैं बात करूंगी अगर इसमें डेली की डेली हमारे इसके बच्चों को एक आफ्टर ब्रेकफास्ट जो होती है फर्स्ट मील होता है उसके साथ हम इसको एक टैबलेट को दे सकते हैं। देन मैं बात करूंगी किड्स कैल्शियम के बारे में। ये जो है ये बहुत अच्छी कोकोआ फ्लेवर में है, देन अगेन च्यूएबल फॉर्म में ही है ये भी। और ये जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारे जो भी अर्ली एज होते हैं बच्चों की बिफोर 12 सबसे उनको एक तो प्रोटीन बहुत रिक्वायरमेंट होता है और साथ ही साथ उनको कैल्शियम बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ का मेन सोर्स है कैल्शियम। इसमें जो है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम है। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए होती है और मैग्नीशियम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए होती है, साथ ही साथ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। देन मैं बात करूंगी हमारी किड्स आयरन। किड्स आयरन के बारे में बात करूंगी। ये हमारा बच्चों का आयरन है, ये भी अगेन च्यूएबल फॉर्म में ही है। अगर हम एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के बारे में बात करूं, इंडिया में 70% जो बच्चे हैं अर्ली एज प्री स्कूल एज के जो 70% बच्चे हैं वो है अनेमिक है, मतलब उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है जिससे कि वो लो एनर्जी के साथ फील करते हैं और बहुत सारे हेल्थ चैलेंज भी आ रहे हैं। अगर तो हमारे पास एक इसको इम्प्रूव करने का एक स्मार्ट वे है जो कि है किड्स आयरन। ये भी डेली हम इसको हम लोग ट्वाइस अ डे दे सकते हैं और ये भी बहुत अच्छी रसबेरी फ्लेवर में है। इसको भी हम लोग ट्वाइस अ डे देंगे और आफ्टर मील देंगे, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बाद दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है अगर हमारे बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर्स उनको आर्टिफिशियल आयरन देते हैं जो कि बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता है ना, उनको किसी भी तरह का स्टमक की प्रॉब्लम होती है या वॉमिट करते हैं। ये जो हमारा आयरन है इसकी मेन ये है कि इजी टू डाइजेस्ट है। इसके अंदर जो है डाइजेशन के लिए फ्यूरियस फॉर्मुलेट डाला गया है। इस तरह बच्चों को किसी भी तरह का मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अगर इंटेक करेंगे तो डाइजेशन को लेकर कोई चैलेंज होगा। बाद में बात करूंगी किड्स सी के बारे में। आज के टाइम में आपने देखा होगा इम्यूनिटी को लेके बहुत सारी बातें हो रही है ना कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो, जो टाइम चल रहा है ऐसे टाइम में बच्चों की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखो। तो ऐसे में क्या कहते हैं कि बच्चों को लेमन दो, जो भी है मतलब जैसे ये सब चीजें दो, लेकिन बच्चों को ये सब चीजें खिलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना क्योंकि वो टेस्ट को लेके बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास ऐसे ही बच्चों के लिए सी अवेलेबल है जिसको हम लोग डेली की डेली वंस अ डे उसको बच्चों को दे सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी टैंगी फ्लेवर में है, च्यूएबल फॉर्म में है। अगेन मैं बात करूंगी इसके बाद हमारे पास है, अभी तक तो मैंने ये सारी की सारी बात करी जिससे कि हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है ना, जो भी है सी है या फिर कैल्शियम है या मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, ये हमारी बॉडी को बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रांग रखने में बहुत हेल्प करता है, बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। अब मैं बात करूंगी बच्चों के लिए जो ओमेगा 3 आता है जो कि जिसको जो DHA यमीज के साथ आता है ना वो हमारी, अब ये है ब्रेन की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक तो जो सारे के सारे हमने बताए थे आपको वो बच्चों की हेल्थ के लिए थे और DHA यमी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बच्चों की आईज के लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चों की हार्ट हेल्थ के लिए होता है। अभी तक देखो हमने सुना है कि जो भी हार्ट चैलेंज आ रहे हैं वो बड़ों को आ रहे हैं, लेकिन नाउअडेज सुने में आता है छोटे बच्चों की हार्ट से रिलेटेड जैसे हार्ट अटैक वगैरह ऐसी या हार्ट से रिलेटेड डिजीज बच्चों को भी होने लग गई हैं। तो DHA क्या होता है? DHA एक फैटी एसिड होता है जो कि बच्चों की ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को ये मदर की बॉडी से मिलता है, जितनी देर बच्चा मदर फीड लेता है बच्चों को मदर की फीड से मिल जाता है, लेकिन जो DHA है या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये बॉडी अपने आप नहीं बनाती है, हमें अब बाहर से इंटेक करना पड़ता है। तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और DHA जो इसका ओमेगा 3 फैटी एसिड का मेन सोर्स है फिश लीवर ऑयल है। तो बच्चों के लिए ये प्रोवाइड कराना इजी नहीं है। तो हमारे पास ये DHA यम्मीज हैं जिसके जो बहुत अच्छी जेली में है और ये बहुत अच्छा ऑरेंज टैंगी फ्लेवर में होती है जिसको बच्चे इजीली च्यू करके खा सकते हैं। और ये 30 टैबलेट का पैक आता है, 15 टैबलेट्स के दो इसमें सेशे होते हैं और जिसको बच्चे के और साथ साथ इसमें DHA EPA और विटामिन D भी होता है। विटामिन D अगेन बच्चों की बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बात करूंगी हमारे प्रोटीन पाउडर के बारे में, जो कि हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। ये बेसिकली पहले कहा जाता था कि 12 ईयर प्लस बच्चों को देना है, बट अभी नाउ 5 ईयर प्लस बच्चों को भी ये इजीली दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात ये टेस्टलेस होता है। इसको आप जो भी आपके बच्चे का टेस्ट है, मैंगो में, बनाना शेक में, एनी शेक में, किसी वनीला शेक में, किसी में भी लेना चाहे तो इसको इजीली दे सकते हैं। इसको लेने के लिए पर ग्राम जितना भी वेट है उसके पर ग्राम के हिसाब से हम बच्चों को इजीली इसको दे सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत स्मार्ट वे है ये सारे प्रोडक्ट और देने के लिए। वैसे बेसिकली जो हमारी किड्स रेंज है ये 4 प्लस के लिए रिकमेंडेड है, बट मेरा बेटा 1 ईयर का है, मैं उसको ये सारे लाइट डोज करके ये प्रोडक्ट उसको दे रही हूँ। और इसके बेस्ट रिजल्ट्स भी यही है कि वो मतलब बच्चे इजीली हर चीज खा लेते हैं, उनका डाइजेशन भी इम्प्रूव है और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि स्मार्ट मदर बनना है तो ये सारे प्रोडक्ट अपने बच्चों को डेली की डेली दीजिए। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रीना जी ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सभी अपने किड्स रेंज के बारे में बताया और ये इतने अच्छी तरीके से इसलिए बता पाई क्योंकि इनका बेटा भी 1 साल का है और ये सभी प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम आपको हम वाकिफ कराएंगे उन प्रोडक्ट से कि जो प्रेगनेंसी के टाइम भी लिए जा सकते हैं, ताकि जो बेबी हो वो उसको हम लोग न्यूट्रिलाइट बेबी बोलते हैं, वो तंदुरुस्त भी होता है और उसको जो पैदा होने के बाद कुछ जॉइंटिस वगैरह करता है वो भी नहीं होता है उसको। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज हमारे 3rd स्पीकर हैं एंड ही इज फ्रॉम पटियाला और हम करते हैं बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, लेकिन आजकल स्टक थे लॉकडाउन की वजह से, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और रितेश जी उनका नाम है और बहुत ही डेवलपिंग लीडर है, बहुत बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम रितेश फ्रॉम पटियाला। थैंक यू सर, मेरे को एक चांस देने के लिए मौका दिया मैंने। जैसे सर ने बताया मेरा नाम रितेश है और मैं अपने वाइफ रिचा खुलर के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ और मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ। अगर हमने प्रोफेशन की बात करूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा में एंड मैं इस बिजनेस को लास्ट 1.5 ईयर से बिल्ड कर रहा हूँ, बहुत सक्सेसफुली और पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। एंड आज रॉबिन जी ने बताया कि हमें अपने गोल्स को पाने के लिए अपना मतलब गोल्स को निर्धारित करना चाहिए, बट उन गोल्स को पाने के लिए हमें कुछ सफलता के कुछ कदम हैं वो हमें उस पे चलना चाहिए। हमारे पास 9 कोर स्टेप्स हैं जिस पे हम चल के अपने उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला एक राइटर रहे हैं जिनका नाम है जॉन सी मैक्सवेल, उनका कहना है कि लीडर उसी को कहते हैं जो रास्ते को जानता है और जो रास्ते पे चलता है और दूसरों को वो रास्ता दिखाता है। तो हमें इन 9 को स्टेप्स पे खुद चलना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि वो भी इन 9 को स्टेप्स पे चले। तो मेरे सबसे पहला जो है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। हमें Amway जो है नियर अबाउट 150 प्रोडक्ट्स बनाती है। हमें सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, हमें जो हम प्रोडक्ट्स मार्केट से लेके आते हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस करना है Amway के प्रोडक्ट्स के साथ। हम शैम्पू लेके आते हैं, हम फेस वॉश लेके आते हैं, सोप लेके आते हैं, हम मार्केट से ना लाके उन प्रोडक्ट्स को Amway से लेना है। उससे क्या होगा, हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास होगा, सो दैट अगर जब तक हमें उस प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है हम अपना सेकेंड जो स्टेप है, अपना सेकेंड कोर स्टेप है वो नहीं कर पाएंगे। अगर शेयर द प्रोडक्ट, अगर मेरे को अपने प्रोडक्ट्स पे विश्वास है तभी मैं उस प्रोडक्ट को इजीली शेयर कर पाऊंगा। ये जो बिजनेस की बात करूं, ये बिजनेस एक शेयरिंग का बिजनेस है, चाहे वो प्लान को शेयर करना है, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, चाहे हमने अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। ठीक है, जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमें शेयर करनी है, सो दैट हम अपने बिजनेस को क्रिएट कर सके, बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सके। ठीक है, जब तक आपने ग्लिस्टर नहीं यूज किया है, ठीक है, तो आप ग्लिस्टर के बारे में नहीं बता पाओगे। जब तक आपके फैमिली में आपकी मदर ने नहीं यूज किया है डिश ड्रॉप, आप उसके बेनिफिट्स किसी और को नहीं बता पाओगे। सो आपको पहले यूज करना है प्रोडक्ट एंड देन उस प्रोडक्ट को शेयर करना है। ठीक है, थर्ड जो है पॉइंट वो है शो द प्लान एंड डेमो। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता है तो फटाफट अपने लीडर्स के साथ, अपने अपलाइंस के साथ बैठिए, प्लान को सीखिए कैसे बताना है, प्लान को कैसे समझाना है एमवे प्लान को, और कैसे डेमोज करने हैं। डेमोज बहुत जरूरी हैं इस बिजनेस में। जब तक आपको डेमो नहीं करना आएगा, नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना आएगा, तब तक आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो ये जो 3 स्टेप है आपको आपके वॉल्यूम क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। एमवे जो है हमें प्रोडक्ट की मूवमेंट पे पैसा देता है। जब तक आपका वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा आपके बिजनेस में, आपके टीम में, तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। तो आपको ये 3 स्टेप्स करने हैं। हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, हमारे जो माइंड मैकेनिज्म पे काम करता है। माइंड मैकेनिज्म का मतलब है हमें बुक्स को रीड करना है, रीडिंग बुक्स। क्या मैं अगर बात करूं, जो लीडर्स हैं, लीडर्स आर रीडर्स। ठीक है, हमें मिनिमम 15 मिनट्स सुबह, 15 मिनट शाम को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? हम अपने अपलाइन से कंसर्न कर सकते हैं कि हमें जो मोटिवेशनल बुक्स हैं वो पढ़नी चाहिए। और इनसे क्या होता है, अपने जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, अपने आप को समझने में हेल्प मिलती है इन बुक्स को पढ़ने से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जो कोर स्टेप है हमारा सीडीज एंड डीवीडीज। हमें उन लोगों की सीडीज सुननी चाहिए जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो हमारे डायमंड्स हैं, जो हमारे एमरल्ड्स हैं, जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जिससे क्या होता है, कई बार हमारे सामने जो सिचुएशन से वो निकल चुके हैं, हमारे सामने जब हम फील्ड में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमारे सामने भी वो सिचुएशंस आती हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि हम उस सिचुएशन में जाके डीमोटिवेट हो जाए, हम उन सीडीज को सुन के हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें सिक्स्थ स्टेप जो है हमारा अटेंड मीटिंग्स। जो हमारे पास पेस मीटिंग रहती हैं, ओपन मीटिंग्स हैं और सेमिनार्स हैं। हमें इन मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए। इन मीटिंग्स में जाके हमें अपने जो अच्छी संगत के लोग हैं, हमारे अच्छे लीडर्स हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है। और अगर हम अच्छे लीडर्स के साथ बैठेंगे, अच्छे लीडर्स जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में, उनसे कुछ सीखेंगे, तभी हम इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने जब हम अपने बच्चों को स्कूल में लगाते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वो स्कूल कैसा है और उस स्कूल में वो जो हमारे बच्चे हैं किस संगत में रहते हैं। ठीक है, वही सेम चीज हमारे पे भी निर्भर होती है कि हम अपने आप को किस संगत में रखते हैं। ठीक है, तो हमें भी ये मीटिंग्स को अटेंड करना बहुत जरूरी है अगर आपने इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करना है। उसके बाद हमारा जो 7 स्टेप है वो है, ये जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स हैं हमारे करैक्टर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। करैक्टर को बिल्ड करने में फर्स्ट है टीचेबिलिटी। जो टीचेबिलिटी मतलब क्या होता है, टीचेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सिखाना, टीचेबिलिटी का मतलब होता है कि सीखना है। ठीक है, हमें हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखा गया है इस बिजनेस में जो लोग अपने से इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के उनके बहुत ही कम चांस होते हैं। इंस्टेड ऑफ कि अगर हम अपने जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके बताए कदमों पे चलते हैं तो बहुत अच्छे चांस हैं कि हम अपने इस बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। मतलब क्या है, सतिंदर जी ने जैसे हमें बताया है कि यहाँ पे माई वे नहीं करना है, जो वो कर चुके हैं, जो वो अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने कर लिए हैं उनके हिसाब से चलना है, अपना माई वे नहीं चलाना है इस बिजनेस में। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल होना चाहिए हमें हमेशा। अगर आपने एक लीडर को अकाउंटेबल होना चाहिए, एक जिम्मेवार होना चाहिए। अगर उसने किसी को टाइम दिया है, ठीक है, आपने किसी मीटिंग में जाने के लिए टाइम दिया है तो आप उस मीटिंग में बिफोर टाइम पहुंचिए। इंस्टेड ऑफ अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो एडवांस में उन्हें कॉल कीजिए कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और या कुछ भी कोई भी रीजन है तो आप उन्हें कॉल करके बताइए। आपने किसी से पैसे लिए हैं, ठीक है, उस पैसों का मिसयूज ना करें। ठीक है, अगर किसी आपके डाउनलाइन ने बोला है कि सर मेरा भी ऑर्डर लेके आओ, तो ऐसा ना हो कि आप अपने उससे अपनी आईडी से ले लो, आप उनकी आईडी से, उनके बिल आपको उनकी आईडी से ही सामान लेना है। ठीक है, तो बी अकाउंटेबल। नेक्स्ट है मेरा डेली कांटेक्ट विद योर अपलाइन। अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहिए, जिससे क्या होता है जब आप मार्केट में जाते हो आपके सामने ढेरों क्वेश्चंस आते हैं, आपको फेस करने पड़ते हैं, और अगर आप उन क्वेश्चंस के नहीं आंसर कर पाए तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। अगर आप अपने अपलाइन के साथ टच में रहोगे, आप अपने अपलाइन से पूछोगे इन क्वेश्चंस के आंसर कि मैं इस क्वेश्चंस का क्या आंसर करूं, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे और आप इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड भी कर पाओगे। और अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने टीम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कीजिए और कैसे हम बंदों को अपने टीम रिक्रूट कर सकते हैं, कैसे कैसे लीडर्स हम अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कीजिए। तो सो फ्रेंड्स, मैं विश्वास के साथ कहता हूं अगर आप इन 9 कोर स्टेप्स को अपने लाइफ में लेके आते हो आप, और इसी को आप डुप्लीकेट करते हो किसी और के साथ, तो आप इस बिजनेस में वो ड्रीम पिन जो है हमारा, एक डायमंड पिन जो है, उसको पाने में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर दैट्स इट फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच सर, एंड गो डायमंड। वेरी नाइस रितेश जी, थैंक यू सो मच। 9 स्टेप्स बहुत बढ़िया तरीके से आपने हम लोगों को बताया कि और हमारे लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा आज। तो 9 कोर स्टेप्स बेसिकली दोस्तों एक हैबिट्स है, दीज आर 9 हैबिट्स। अगर ये 9 गुड हैबिट्स अगर हम पाल लेते हैं तो ये बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है। रोज रात को अगर किताब पढ़ने की आदत डाल लें, रोज अगर एक सीरीज सुनने की आदत डाल लें, अगर हर मीटिंग को अटेंड करने की आदत डाल लें, अगर सभी प्रोडक्ट्स को यूज करने की आदत डाल लें, अगर हम बाहर निकल के घर से कस्टमर्स तैयार करने की और प्लान दिखाने की आदत डाल लें, अगर हम टीचेबल रहने की आदत डाल लें, आदत का मतलब काउंसलिंग वगैरह करनी शुरू कर दें अपने अपलाइन के साथ, अगर हम अकाउंटेबल रहने की मतलब टाइम के पक्के होने की, हर मीटिंग अटेंड करने की और जो भी अपलाइन कहती है उसको बात को मानने की, अकाउंटेबिलिटी की एक आदत डाल लें, और उसी प्रकार से हर रोज कम्युनिकेट करने की आदत डाल लें। तो ये 9 चीजें क्या है दोस्तों, दीज आर 9 गुड हैबिट्स। अगर ये 9 आदतों को हम पाल लेते हैं तो ये बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है। आप पूछिए बोपराज जी से, आप पूछिए विमल जैन जी से, आप पूछिए मल्होत्रा जी से, आप पूछिए हमसे, हर किसी इंसान से जो कि आज डायमंड या उसके ऊपर लेवल में पहुंचा हुआ है, उनमें एक चीज कॉमन है दोस्तों, वो 9 को स्टेप जरूर करते हैं। और रात को सोने से पहले ये चेक करते हैं कि कहीं हमारे से कुछ स्टेप रह तो नहीं गया। तो अगर ये 9 कोर स्टेप्स की आप हैबिट डालते हो तो बिजनेस करना बहुत इजी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे, हमारे पास एक और बहुत अच्छे लीडर हैं जो चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं और बहुत फास्ट तरीके से इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने आज बात करनी है हमारे साथ उन प्रोडक्ट्स को लेकर जो कि हमारे फाउंडेशनल प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिलाइट के, और जिसको कहा जाता है कि अगर वो लेते रहोगे तो ओपीडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरी मुराद है पीडीओ की, एंड प्लीज हेल्प मी वेलकम मैडम सुखजीत कौर फॉर दैट। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सिंदर सर फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर द पीडीओ इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू, and for providing us the platform where we can learn from different leaders. So आज मेरी ड्यूटी लगी है, मैंने आपके साथ पीडीओ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। मैं सबसे पहले बात करूंगी कि हमें पीडीओ की जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत है आज की डेट में हमें सप्लीमेंट्स लेने की। जो हम डाइट ले रहे हैं और जिस तरीके के एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो हमारी डाइट में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं। जो फॉर एग्जाम्पल जो आज हम दूध ले रहे हैं उसमें कैल्शियम का अमाउंट उतना नहीं है जो आज से 15-20 साल पहले था। तो हमारी डाइट में हमारी, क्योंकि सॉइल की जो क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, वो लो हो गई है। पानी आजकल हम आरओ का पी रहे हैं जिसमें कोई मिनरल नहीं है। तो हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिससे हमें वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए है। तो इससे क्या होता है कि हमारी डाइट के बीच में एक न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो जाता है। तो उस गैप को पूरा करने के लिए अगर हम उसको सप्लीमेंट की हेल्प से पूरा कर लेते हैं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। आज की डेट में आज हम देख रहे हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से सब लोग इम्यूनिटी को लेके बहुत अवेयर हो गए हैं। तो दोस्तों, इम्यूनिटी एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, ये डेली का प्रोसेस है कि हमें अपनी बॉडी को डेली नरिश करना पड़ेगा। जैसे अभी सिंदर सर ने बताया कि अगर हम पीडीओ लेते हैं तो हमें ओपीडी की जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बॉडी में जो न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट होता है, जो डेफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं, ये लॉन्ग टर्म में जाके डिसीज का कारण बनती हैं। कोई आजकल की हम बात करें तो आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड है, पीसीओएस है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हैं कि हम अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे या हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं है। तो इस बिजनेस में हमें बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट मिलते हैं और अच्छी एसोसिएशन मिलती है जहाँ पे हम हेल्दी रह सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की कि प्रोटीन की जरूरत किनको है और क्यों है। प्रोटीन हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी बॉडी सेल्स से मिलके बनी हुई है, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये सेल्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन 22 अमीनो एसिड्स होते हैं जो मिलके प्रोटीन को बनाते हैं, जिसमें से 13 होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, बट 9 ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें अपनी डाइट से ही लेने पड़ते हैं। और प्रोटीन हमारे हर एक एज में प्रोटीन की अपनी महत्ता है। जैसे बच्चों की बात करें तो बच्चों को प्रोटीन उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनकी हाइट बढ़ रही होती है, बच्चों की मैक्सिमम ग्रोथ है जो 12 इयर्स तक मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है। तो उस टाइम पे बच्चों की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है एक अडल्ट से 1.5 गुना होती है। कितना प्रोटीन लेना चाहिए हमें? जैसे मैं बात करूं कि अगर मेरा बॉडी वेट 60 किलोग्राम है तो मुझे डेली 60 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। हम अपनी डाइट से सिर्फ 25 से 30 ग्राम तक ही प्रोटीन पूरा कर पाते हैं। बाकी जो गैप रह जाता है उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, जैसे हम थकान फील करते हैं, हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती, सेल्स की रिपेयर नहीं हो पाती है, बाल झड़ते हैं, हमारी स्किन में डलनेस आती है। तो ये सारी चीजें। और अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो प्रोटीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोटीन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, जो कि हमें वायरसेस या बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करते हैं। अब कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए? जैसे मैंने 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करी। लोग कहते हैं कि हम दाल खा रहे हैं, हम चीज खा रहे हैं, बट दोस्तों एक चीज जानने की जरूरत है कि जैसे अगर हम दालों की बात करें तो उसमें क्या 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, हमें ये चेक करने की जरूरत है, क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन वही होता है जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट ऑल प्लांट प्रोटीन आता है। इट इज प्योरली प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो न्यूट्रिलाइट का जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये ट्राइब्लेंड है, वीट, सोए और येलो पी से मिलके बना है, जिसमें हमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की रेशियो क्या होनी चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में बहुत प्रोटीन आते हैं, तो इसमें इस चीज का बहुत ही ध्यान रखा गया है। अगर हम बात करें कि प्रोटीन में यहाँ पे हमें प्योर प्रोटीन मिलता है कि 10 ग्राम में यहाँ पे 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसमें 0 शुगर है कि हम इसको डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं। 6 ईयर से लेके किसी भी उम्र के व्यक्ति को हम ये प्रोटीन दे सकते हैं। तो बच्चों की कितना प्रोटीन लेना चाहिए? जैसे मैंने बात की, जितना हमारा बॉडी वेट है हमें उतने ग्राम डेली प्रोटीन लेना चाहिए, बट बच्चों को उससे 1.5 गुना प्रोटीन चाहिए होता है एज पर देयर बॉडी वेट। किसी बच्चे का वेट अगर 20 किलोग्राम है तो उसको 30 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। सिमिलरली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उस टाइम पे भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उनकी भी जो रिक्वायरमेंट होती है, तो बॉडी वेट से जो 1.5 गुना उनको प्रोटीन चाहिए होता है। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो पीडी का स्कोर, जो किसी प्रोटीन को पीडी का होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी फ्रैक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, जो किसी प्रोटीन को WHO की तरफ से दिया जाता है। तो ये इसकी मैक्सिमम जो रेटिंग है दैट इज 1, कि 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। किसी प्रोटीन को जो मैक्सिमम पीडी का स्कोर मिल सकता है वो 1 है, जो कि हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन का जो डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर है वो 1 है। इसका मतलब है कि ये 100% हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, हमें कोई हैवीनेस फील नहीं होती, और इसका जो टेस्ट है वो न्यूट्रल टेस्ट है। हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं इसको, हम दूध में ले सकते हैं, पानी में, लस्सी में, हम आटे में गूंध सकते हैं, हमारी जो ग्रेवीज होती है उसमें डाल सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं हम इसको। बहुत ही जैसे आजकल की डेट में मैं बात करूं, गर्मियों के दिन आ गए, हमारे पास फ्रूट ड्रिंक आता है, उसमें मिक्स करके ले सकते हैं, उसका बहुत ही वंडरफुल टेस्ट आता है। तो ये प्रोटीन की हर किसी को जरूरत है, जो भी बंदा, हम जो भी लिविंग है उसको इसकी चीज की जरूरत है। जो लोग जिम जाते हैं सिर्फ उनको जरूरत नहीं होती, जो एक्सरसाइज करते हैं उनको जरूरत नहीं होती। ये प्रोटीन वो प्रोटीन है जिस हर किसी को लेने की जो जरूरत है। अब सेकंड हम बात करें, प्रोडक्ट है हमारा डेली, ये क्या है, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल है। तो हमें एज पर WHO हमें 5 to 9 सर्विंग्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स रोज लेनी चाहिए। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, इनके अलग अलग बेनिफिट होते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर जो ऑरेंज कलर के फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन A ज्यादा होता है। सो मिनरल्स और विटामिन हमारे जो नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी स्किन के लिए, बोन हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, इनका हर विटामिन मिनरल का अलग रोल होता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, मतलब कम मात्रा में चाहिए होते हैं, बट अगर एक भी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे मैं बात करूं, कैल्शियम और विटामिन D की अगर डेफिशिएंसी हो, लंबे समय तक किसी को रहे, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये चीजें हमें अपनी डाइट से लेनी चाहिए, बट जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी डाइट से हम नहीं ले पाते। अब आपने आपसे पूछिए कि क्या हम डिफरेंट कलर के 5 to 6 डिफरेंट कलर के फ्रूट वेजिटेबल डेली ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत है, अगर ले भी रहे हैं तो भी हम उसको उस ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं ले रहे हैं। तो इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल हैं जो हमें डेली लेने की जरूरत है। तो ये बहुत ही, जिस लोगों को, जैसे हम बात कर रहे हैं कि थकान फील होना शुरू हो जाती है, अच्छा नर्वस सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा है, इम्यूनिटी वीक है, तो हमें ये लेने की विटामिन मिनरल लेने की जरूरत है। हमारी बॉडी को ये फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, केमिकल से, पोल्यूशन से जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। सो हर बंदे को इस लेने की, ये विटामिन और मिनरल लेने की जरूरत है। थर्ड प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास है सैल्मन ओमेगा 3। अगर हम बात करें, ये नॉर्वे के कोल्ड वाटर में जो सैल्मन फिश है उसको कल्टीवेट करके ये हमारे तक पहुंचा रहा है। इसमें हमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जो फिश है, जो मैक्रेल है, एनकोवी है और सार्डिन, सो उनसे ये मिलता है। अब इसका क्या काम है? आज के हमारे लाइफस्टाइल में हम क्या है, हम जंक फूड खाते हैं, जहाँ हमारी इंडियन कुकिंग में हम बहुत सारी वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, तो हमें ओमेगा 6 तो मिल जाता है, बट ओमेगा 3 में ना के बराबर मिलता है। अगर हम ले भी रहे हैं, जो वेजिटेरियन डाइट की, उनसे हमें एक तरीके का ओमेगा 3 मिलता है, जबकि ओमेगा 3 3 तरीके का होता है। ALA होता है, अल्फा लाइनोलेनिक एसिड होता है, EPA होता है आइकोसा पेंटानोइक एसिड और डेकोसा हेक्सानोइक एसिड। जो EPA है वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और जो DHA जो हमारी विजन हेल्थ के लिए और हमारे ब्रेन के लिए बहुत एसेंशियल होता है, जो कि हम अपनी डाइट में ना के बराबर लेते हैं। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आर्टरीज में जो बैड फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हमें, जब हम सीढ़ियों चढ़ते हैं तो सांस फूलती है, या फिर किसी को हाई BP की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एंड में क्या होता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही कॉमन है। आजकल हम कहते हैं कि रात को अच्छे से सोया था कोई बंदा और सुबह उठ के देखा कि हार्ट अटैक हो गया। जी, अचानक से नहीं होता दोस्तों, ये हमें बट हमें लेने की ओमेगा 3 की बहुत जरूरत होती है। और क्या काम होता है कि जैसे मैंने विटामिन मिनरल्स की बात, जो विटामिन A, E और के होता है इनको मेटाबोलाइज करने के लिए, बॉडी में अब्सॉर्ब करने के लिए गुड फैट्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर हम अच्छा फैट नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी, ए और के अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होगा। हम ले भी रहे हैं तो भी हम उसका उतना फायदा नहीं ले पाएंगे। सो ये ओमेगा 3 बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए, जिसमें आजकल की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर मैं बात करूं कि तीनों प्रोडक्ट ये हमारे फाउंडेशनल प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें डेली लेने की जरूरत है कि अगर किसी ने चाहे वेट लॉस करना है, चाहे वेट गेन करना है या मेंटेन करना है, हमें इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। क्योंकि प्रोटीन जो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, जो हमारी डाइट का 20 to 30% पार्ट है वो हमारा प्रोटीन से आना चाहिए, जो हमारा फैट होता है 20 to 30% गुड फैट से आना चाहिए। तो जो हमारी हैं तो हम अच्छे से हमारा वेट लूज नहीं होता, जब हम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमें लेने की इन प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा 30 डेज का पीडीओ पैक भी आता है जिसमें हमारे पास 30 डेज की डोज आ जाती है। बहुत ही हैंडी है कि सिर्फ इसकी जो कॉस्ट MRP 3000 है कि 3000 में हमें इतने वंडरफुल और 3 प्रोडक्ट्स का पैक मिल रहा है। हम कहीं जो ट्रेवल करते हैं साथ में हम कैरी कर सकते हैं। तो डेली हमारी डाइट में, हमारी फैमिली में सबको हमें ये प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट लेने चाहिए और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि हम एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकें और हम अपने नियर एंड डियर वंस को हेल्दी रख सकें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुखजीत मैडम, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से पीडीओ के बारे में हमें नॉलेज दी। और अब हमारे सामने और हमारे बीच में है एक वंडरफुल लीडर जो कि फाउंडर प्लेटिनम लेवल पर है और जल्दी ही एमरल्ड डायमंड जा रहे हैं। ह्यूज बिजनेस है उनका, पूरी इंडिया में फैला हुआ है, खासकर उनका पंजाब में, दिल्ली में और यूपी में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। सो मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग उनका स्वागत करें। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम फाउंडर प्लेटिनम गोइंग डायमंड रॉकी शेखो जी। तो दोस्तों फटाफट कुछ बातें करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि पहले मेरी वाइफ है ना कुछ बातें करें, उसके बाद फिर मैं आता हूँ। सभी को नमस्ते, माई सेल्फ गुरप्रीत, मैं होम मेकर हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया बिजनेस है और बहुत मज़ा आ रहा है इसको बिल्ड करने में। मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि ये बिजनेस है हमारा फैमिली बिजनेस है, कैसी लेडीज इसमें हेल्प करती है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो बैकबोन है वो प्रोडक्ट है, तो आज भी हमने प्रोडक्ट्स की बहुत सारी नॉलेज ली है, बहुत अच्छे लीडर्स थे जिन्होंने हमें बताया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हम अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे और वही प्रोडक्ट हमने लोगों के साथ शेयर करने हैं, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। और आज की डेट में जैसा टाइम चल रहा है वैसे ही हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने तो अपने आप को चेंज कर लिया है। तो जैसे कि हमने आजकल हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं लेडीज को कहूँगी कि हमारी टीम में लेडीज हैं, आपकी टीम में हैं, सबके फोन नंबर आपके पास होने चाहिए ताकि हम सबके साथ कांटेक्ट में रहें, उनके साथ हम बातचीत करते रहें, उनके साथ हमारी जो रिलेशन बिल्डिंग है वो स्टार्ट होती रहे, उनके साथ बातचीत होती रहे। क्योंकि उसी का ये मेन कारण है कि जैसे हम फोन के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, फोन के थ्रू बात करेंगे, तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। और आज की डेट में फोन के थ्रू ही हमने उनके साथ शेयर करना है जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स की रेंज है और जितनी भी हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। तो मीटिंग्स को भी हमने प्रमोट करना है, जैसे कि आज की मीटिंग हमारी प्रमोट हो रही है। तो जैसे आज से कुछ महीने पहले हम ओपन मीटिंग किया करते थे, तो वैसे ही हम प्रमोट करते थे। तो वैसे ही हमने ऑनलाइन जो हमारा सिस्टम शुरू हो गया है, ऑनलाइन जो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, हमारी अपलाइन करती हैं, जो भी हमारी एमबी की तरफ से कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको हमने प्रमोट करना है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमने चेंज करना है, उन चीजों का ही हमने ध्यान रखना है। और नंबर 2 रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अगर अच्छा है इस बिजनेस में तो आपकी टीम के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि घर से ही हमने अपनी जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। तभी तो हम अपनी टीम में रिलेशनशिप अच्छा बना पाएंगे। और सेकंड नंबर, अपनी अपलाइन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखना है, उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रखनी है। हमारे घर में पेरेंट्स हैं, उनके साथ, हमारे घर में बच्चे हैं, उनके साथ। और दोस्तों लास्ट में एक बात करूंगी कि जैसे जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लास्ट अप्रैल मंथ में हमने किसी के साथ कोई बिजनेस की बात नहीं की थी, सिर्फ हमने फोन कॉल किए अपने ग्रुप में, लोगों के साथ प्यार रखा, उनको सिर्फ हौसला दिया हमने कि हम ये समय है जो वो भी निकल जाएगा, हम मिलके इस बिजनेस को बढ़ाएंगे और जो सिस्टम हमारे सामने होगा हम उसको अपनाएंगे। तो उसी का नतीजा है फ्रेंड्स कि इस महीने हमारा जो बिजनेस है बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो रहा है और सभी को हैबिट हो गई है इस सिस्टम को यूज करने की और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया बिजनेस है, जितनी जल्दी हम चेंज कर लेंगे उतनी जल्दी हम इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी दोस्तों, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे लॉकडाउन पीरियड के अंदर, जो अभी मेरी वाइफ ने बात बताई बिल्कुल सही है। लास्ट मंथ तो एक तरीके से शॉकिंग सा हो गया था कि सारी दुनिया लॉकडाउन हो गई, तो समझ नहीं आ रहा था किसी को कि क्या करना है। तो मैंने क्या किया, जो मैंने जूम पे मीटिंग करनी शुरू करी तो सबसे पहले तो मैंने सबको है ना लाइट मूड में सबके साथ एक हल्की फुल्की मीटिंग्स करी, जिससे कि उनका है ना मॉरल बढ़ जाए और उनके दिमाग से डर खत्म हो जाए। और वो हुआ भी ऐसा ही, हम लोग कई बार इकट्ठे हो जाते थे 20-20 जाने और फिर सारे एक दूसरे से बात करते थे। कुछ इस तरीके से लाइट मोड में मैं लेके आया और उसका नतीजा ये हुआ कि सबके दिमाग से वो चीजें निकलनी शुरू हो गई, जो कि वो टीवी देखे जा रहे थे बहुत ज्यादा। उनको टीवी देखने से हटाया, न्यूज से हटाया। जैसे क्रिकेट के अंदर स्कोर बढ़ता है ना, ऐसे देखे जा रहे थे लोग, इतने हो गए इतने हो गए, तो उसका असर बंदों के ऊपर हो रहा था, सबके ऊपर। तो उसको हटाया और उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि क्वालिफाई हम लास्ट मंथ भी हुए। और जो ये मंथ है, जितने पीवी हमारे पिछले महीने की 30-31 तारीख को थे, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि उससे ज्यादा पीवी हमारे 13 तारीख को थे। ये बेनिफिट हुआ इसका। और ऑनलाइन पहले से कितना आसान हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं दोस्तों इसको, अपनी इंडस्ट्री के लिए दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये ब्लेसिंग्स मिल गई हमें और कई लोग इसको समझेंगे, कई नहीं समझेंगे। अगेन 80-20 की रेशो लगेगी, कई लोगों ने समझ लिया और इतने पीवी हो रहे हैं, इतने पीवी हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। दो लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 700-700 पर्सनल पीवी कर दिए, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज्यादा प्रोडक्ट की। अभी मीटिंग चल रही थी, मेरे भाई का फोन आया दिल्ली से कि मेरी जेब में पैसे आ गए किसी को, उसके इतने के प्रोडक्ट, मैंने कहा बाद में बात करते हैं। डिमांड, इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन, है ना। एमवे ने हमें बताए थे कुछ ट्रेंड। पहला ट्रेंड आईटी ट्रेंड, बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जो फ्यूचर के अंदर जो है लोग प्रमोट करेंगे बिजनेस को, होम बेस्ड बिजनेस को। सोशल डिस्टेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स बट इमोशनल कनेक्टिंग, मीटिंग्स ऐसे होंगी लेकिन हम इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। न्यू डिजिटल एज आ रही है दोस्तों, वर्चुअल कनेक्शन, आप इससे भाग नहीं सकते। इस बात को मेरे को याद रखिएगा कि अगर आप इस चीज से भागोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे और बहुत लोग हैं जो आपसे आगे निकल जाएंगे। इसको तो मानना पड़ेगा, डिजिटल एज के अंदर आ गए अब। उसके बाद उन्होंने बताया इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन, सेल्फ केयर। पहले हम लोगों को बताते थे कि ये न्यूट्रिशन है ना, इस तरीके से करा करो, तो कई लोग सुनते ही नहीं थे बात की, हमें क्या जरूरत है जी, इतने बड़े हो गए, अभी तक तो हमें जरूरत नहीं पड़ी, आप अपना माल बेचने के लिए कह रहे हो। आज वही सब लोग मांग के चीजें खा रहे हैं। और लोगों को टीवी में न्यूज वालों ने इतना इम्यूनिटी के बारे में प्रचार कर दिया कि अब हमें उतना नहीं बताना पड़ता, मोस्टली लोगों को पता लग गया। तो उसका बेनिफिट किसको होगा? उसका बेनिफिट उस बंदे को होगा दोस्तों, उस फैमिली को, उस परिवार को, उस हस्बैंड वाइफ को होगा जो अपना ऑनलाइन ज्यादा जाके मेहनत करेगा। जितने प्लान पहले दिखाते थे उससे ज्यादा प्लान दिखाएगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे हमारा बिजनेस है मेरठ में, तो वहाँ पे एक लीडर है मनोज हंसी एंड खुशी हंसी, वो इतनी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं अलग अलग प्रोस्पेक्टों। अगर एक बंदा भी होता है तो उसके लिए मीटिंग कर देते हैं वो। पहले भी तो हम एक बंदे को प्लान दिखाने के लिए गाड़ी चला के जाते थे यार, 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर जाते थे, तेल फूकते थे, एनर्जी लगाते थे। अगर अभी एक बंदे को प्लान दिखाना पड़ जाए तो क्या बात है। और उनकी टीम के अंदर 30 से ज्यादा ज्वाइनिंग हुई है इस महीने के अंदर, 30 से ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग्स, और अच्छे खासे बढ़िया पढ़े लिखे बंदे। एक वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन हुए हैं किसी कंपनी के, वाइस प्रेसिडेंट, तो दोस्तों अच्छे अच्छे लोग इस बिजनेस को समझ रहे हैं। इम्यूनिटी की बात तो हो ही गई, दूसरा सेकंड इनकम के बारे में लोगों का थॉट प्रोसेस है जो चेंज हो गया। यहाँ पे घंटी बजनी शुरू हो गई। अभी हमारे टीम में एक शख्स है, उनके मास्टर जी की 3-4 दिन पहले जॉब चलेगी, 12 लाख रुपए महीने की सैलरी थी उनकी, 12 लाख रुपए महीना, 2 गाड़ियां थी, 2 ड्राइवर थी, शाम को वो भी चले गए, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया और उनको हटा दिया गया है। आपको क्या लगता है दोबारा 12 लाख की जॉब फटाफट से लग जाएगी? उनके खर्चे भी उतने ही होते हैं। तो दोस्त सेकंड इनकम के बारे में लोग सोचना शुरू हो गए हैं। और जो टाइम टेस्टेड ब्रांड्स हुआ करेंगे अभी आने वाले समय में न्यूट्रिशन के अंदर, उस पे लोग ज्यादा जाएंगे, उस पे लोग ज्यादा जाएंगे। और कुछ चीजें मेरे दिमाग में है जो मैं फटाफट बताना चाहता हूँ आपको, बातें तो बहुत सारी हैं। एक लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में तो बात कर ही ली हमने कि टेक्नोलॉजी से हमें सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, लिंक्डइन, इन सब चीजों पे हमें आना पड़ेगा। जो बंदा कहता है कि नहीं जी मेरे को तो बड़ा मुश्किल लगता है, ऐसा है वैसा है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ और सारे लोग बोल रहे हैं, वो पीछे रह जाएगा। फटाफट इस पे काम करना शुरू कर दो। इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन, सोशल इंटरेक्शन, वर्क स्टाइल चेंज हो जाएगा, टोटली वर्क स्टाइल। दोस्तों घर से काम हुआ करेगा, उससे क्या है कि कंपनियों के खर्चे कम हो जाएंगे। कंपनियों की मजबूरी है खर्चे कम करना, क्यों? क्योंकि आप लोग सुन ही रहे हो कि ना डिप्रेशन का टाइम है एक तरीके से, जो 1930 में हुआ था उससे भी ज्यादा। जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 0 चली गई और बहुत सारी कंट्रियों की माइनस में चली गई, तो क्या एकदम से उठ जाएगी है? तो कटिंग तो होएगी जॉब्स के अंदर, दुकानदारी के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, सब में नीचे आएगा सब कुछ। और इंटरनेट यूसेज बढ़ जाएगा, है ना, उस इंडस्ट्री के अंदर बूम आ जाएगा इंटरनेट यूसेज। और उसके बाद हेल्थ कॉन्शियसनेस लोगों की बढ़ जाएगी, पॉल्यूशन लेस हो गया, प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। अगर इस टॉपिक को हम बात करें तो बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है दोस्तों, प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। अभी लोग पहले जैसे बात किया करते थे कि चलो दिवाली आ गई पड़ते हैं और सोफे बदल लेते हैं, अभी तो 2 साल को सोचेगा भी नहीं इन चीजों के बारे में। चलो इसको नई फ्रिज ले आते हैं, पहले वाली फ्रिज को देख के बोर हो गए, बड़ी एलसीडी ले आते हैं जी, नहीं ले आते हैं, बोर हो गए उसको देख देख के, बड़ा साइज ले लेते हैं। अभी नहीं लेंगे दोस्त, प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी लोगों की, वो अपने हेल्थ पे खर्चा करना जरूरी समझेंगे लोग। अगर आप उनको बताओगे तो आपके साथ आ जाएंगे। बिजनेस मॉडल्स चेंज, बहुत सारे बिजनेस आप देखना अगले 3 महीने के अंदर कई सारे बिजनेस गायब ही हो जाएंगे, तेजी से गायब होंगे कई सारे बिजनेस है उसमें। तो जैसे पहले होता था कार्बोरेटर इंडस्ट्री थी एक, ऐसे गायब हो गई थी चुटकियों में, डायरेक्ट इन्फ्यूजन सिस्टम आ गया था तो वो गाड़ियों में लगने बंद हो गए कार्बोरेटर और जीरो हो गई वो पूरी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी थी लोगों ने। अभी देखना आप ऐसा ही होगा। ड्रॉप इन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो मैं बात कर रहा था अभी, जो फालतू खर्चा करता था बंदा, बिल्कुल नहीं करेंगे लोग, बिल्कुल नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि जो फालतू खर्चा होता था, फालतू इन द सेंस कई बार हम जाते थे मॉल में एक चीज लेने के लिए तो हम 2-2, 4-4 चीजें ले आते थे, क्यों? चल रहा है सिस्टम। अभी वो काम नहीं होगा, उसका असर किस पे होगा? सारे दुकानदारों पे होगा, सबकी इनकम लो होएगी उससे। फूड एंड वेजिटेबल्स, इन पे लोग ध्यान देंगे। इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, होटल, आउट, ये बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। जॉब्स के अंदर अफेक्टेड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, जॉब्स अफेक्ट होंगी सबसे ज्यादा। रिटेल मार्केट, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, सिनेमा, लॉजिस्टिक, है ना, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कैब्स वगैरह जो होती हैं, इन सब पे असर पड़ेगा जितने मैंने नाम लिए हैं। लग्जरी प्रोडक्ट्स तो भूल ही जाओ कि लोग उस तरफ जाएंगे दोस्तों, लग्जरी की तरफ अभी नहीं जाएगा कोई भी, नीड्स पूरा करेंगे लोग। लाइव स्पोर्ट्स नहीं होंगे, रियल एस्टेट ना, आप इसके बाद दम निकल जाएगा, बेचने के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, बायर नहीं होएगा, कम पैसे पे भी बायर नहीं होगा, आप देख लेना। ऑयल एंड गैसेस, क्या हाल है ऑयल एंड गैसेस का, आप देख लो दुबई जैसी कंट्री का क्या हाल हो गया, अगर आप स्टडी करोगे हैरान हो जाओगे, घुटनों के बल आ गया दुबई, तो सारा यूएई, क्यों? क्योंकि ऑयल एंड गैसेस इतने रेट नीचे हो गए हैं, फिर भी पिछले 2 महीने में कुछ नहीं हुआ। इवेंट मैनेजमेंट का काम था जो कॉन्फ्रेंसिस वगैरह, बंद हो जाएगा दोस्तों। फालतू फंड के जो गैजेट्स लेते थे लोग, वो नहीं लिया करेंगे कि चलो फोन ही बदल लेते हैं, पूरी होने वाला। और क्या होगा? टेम्परेरी जॉब्स लगेंगी अभी लोगों की, टेम्परेरी, हफ्ते के लिए आ जाओ जी, 3 दिन के लिए आ जाओ, वो वाला काम होगा अभी। ऑनलाइन टीचिंग्स बढ़ेंगी, होम एंड किचन गार्डनिंग बढ़ेगी, जो कि घर पे लोग लगाया करेंगे, मेंटल हेल्थ पे लोग ध्यान देंगे, ऑल्टरनेटिव एनर्जी इसके ऊपर लोग ध्यान देंगे, इंश्योरेंस बढ़ेगी, न्यूट्रिशन एंड हर्बल इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रो करेगी, गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी क्योंकि लोग घर पे होंगे तो गेमिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ केयर, ये दोस्तों ब्लास्ट करने वाला है ये चीज, नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ केयर के अंदर हम लोग हैं, न्यूट्रिशन के अंदर हैं हम लोग, हर्बल इंडस्ट्री के अंदर हैं। और दूसरा स्पिरिचुअल साइंस, मेडिकेशन, योगा, कई लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते थे पहले, आप देखना आप ये इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। और ये तो फटाफट मैंने कुछ चीजें बताई हैं कि क्या होने वाला है, आप इसको बाद में और स्टडी कीजिए, कुछ वीडियोस देखिए, आपको पता लगेगा। दोस्तों आंखें बंद करने से बैठने से कुछ नहीं होगा, वो बिल्ली वाली कहावत हो जाएगी कि बिल्ली आई कबूतर को खा गई, कबूतर ने बोला था कि मैंने तो देखा नहीं बिल्ली को। दोस्तों ये जो समय है डराने वाला, मैं नहीं कहूंगा कि डराने वाला, बट अपने लिए बहुत बढ़िया है, इसको इनकैश करो, इनकैश करो, आपका बिजनेस 2-3 महीने के अंदर ही आप देखना इतना ज्यादा आप इसको फ्लरिश कर लोगे, मतलब जो मैं कह रहा हूँ आप मेरे को फोन करके बोलोगे बाद में कि आपने ये बात कही थी और ये हो गई, देख लेना अगले 2-3 महीने के अंदर। लेकिन पर डे 2-2, 4-4, 5-5 मीटिंग्स करो आप यूट्यूब पे, इस पे अपने जूम पे, जिस किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है उससे करो, अपनी अपलाइन के साथ बात करके। दोस्तों छोड़ो मत इस चीज को, कई लोग सोच रहे हैं, मेरी कईयों से बात होती है, कई कहते हैं भैया ये निकल जाए समय उसके बाद करेंगे, अरे गोल्डन पीरियड तो अभी है, जो अच्छी अच्छी क्वालिटी के लोगों को लेके आना बिजनेस के अंदर वो तो अभी है, बाद में क्या करोगे आप, वो तो वो बात हो जाएगी सांप निकल गया लकीर पीटते रह गए। तो दोस्तों अभी करना है, अभी आपको बेनिफिट होगा देखना। और लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस की बात मैं करूं तो जब शुरू में मैंने शुरू किया, मेरठ जाता था मैं, तो दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगी कि मैं महीने में 2 बार या कई बार 3 बार भी जाता था, और लगभग 6-8 महीने 10 महीने लगभग कह लो ऐसा हुआ कि 2 बंदे ज्वाइन हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 200 भी हो गए, 300 भी हो गए, 500 हो गए, दैट्स इट, ऐसे ही चले जा रहा था ऐसे। तो मनोज जी के साथ मेरी बात हुई, मैंने कहा मनोज जी मैं नहीं छोड़ूंगा आना, आप अपना बताओ कब तक आऊंगा मैं। ऑलवेज मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, जिस चीज को मैं करने लग जाता हूँ। आप बताओ, आता इतनी दूर से मैं हूँ 350 किलोमीटर से, आप तो यहीं रहते हो और यहीं रह के कुछ ना कुछ करना है। तो मनोज जी ने वादा किया कि मैं भी नहीं भागूंगा, और वो अपने वादे पे कायम रहे दोस्तों, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी टीम फ्लरिश करनी शुरू हो गई, तेजी से उनकी टीम में अच्छे अच्छे लोग आने लग गए। तो ये ऐसे ताकतवर लोगों का बिजनेस है दोस्तों। लॉन्ग टर्म हम जाते थे, सुबह से लेके शाम तक सारा दिन भागम भाग काम करते रहते थे। मनोज जी की आदत है, उनको है ना मतलब खाना पीना खिलाने का बड़ा शौक है, तो पहले तो सुबह का खाना खाया, उसके बाद हम निकल गए। जैसे ही 2:30-3 बजे कहते सर चले घर, मैंने कहा क्यों, खाने का टाइम हो गया। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाता ऐसे, मैंने कहा रात को चलेंगे सीधा ही। तो हम लोग फिर रात को ही आते थे सीधा घर पे। कुछ टाइम बाद उनको समझ आया कि ये तो ऐसे ही करते हैं। मैं वहां पे बिजनेस करने गया हूँ, अगर मैं घर पे चला गया तो गए 3 घंटे। तो उनको थोड़ा सा आइडिया लगा इन चीजों से, अब वो भी पूरी मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत का इंसान है। और भी बहुत सारे लोग हैं टीम के अंदर चारों तरफ ही, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे, सिंदर जी ने मेरे को बोला इसलिए मैं थोड़ा दूर के बारे में बता रहा हूँ मैं। और जब रात को हम लोग घर पे आते थे, ऐसा नहीं है कि 10 बजे आए, खाना खाए और सो गए। 10 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक हम लोग बातें करते रहते थे, बातें इन द सेंस बिजनेस की बातें, चुटकुले में। रात को बैठ के हम डिस्कस करते थे कि किसको मिले क्या, कौन कैसा बंदा, सब बातें करने के बाद पेपर पे मैं उनको कुछ चीजें समझाता था कि कैसे 6-6-8-6-6 फार्मूला काम करेगा, और बहुत सारी चीजें 9 कोर्स है। तो वो जो इनवाइव करनी होती थी चीजें लीडर के अंदर, वो रात को बैठ के इनवाइव होती थी, क्योंकि उस वक्त हम लोग फ्रेश, पूरा फ्रेश महसूस कर रहे होते थे और चैंपियन जोन में रहता है बंदा दोस्तों उस चीज से। अगेन दिन में फिर सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही, रात को फिर ऐसे ही, 3-3 दिन 4-4 दिन हम लोग रह के आते थे। फिर मैं और मेरी वाइफ जाने लगे, दोनों जाने लगे। जब ये मेरे साथ जाने लगी और स्पीड बढ़ गई दोस्तों, वहां पे बहुत सारी लेडीज टीम के अंदर आ गई, ऐसे ऐसे लेडीज आ गई टीम में, है ना। एक लेडी ऐसी है जो कि 1200-1500 पीवी से कम उन्होंने कभी करे ही नहीं महीने में, ऑलवेज 1200, 1500, 1800 पीवी उनके। ऑलवेज होते रहे लगभग 2 साल। क्यों? क्योंकि उनका एक नेटवर्क बन गया था जिसके अंदर अच्छे खासे प्रोडक्ट जाते थे, एक पार्ट टाइम इनकम शुरू हो गई उनको। तो दोस्तों लेडीज का इफेक्ट बहुत है इस बिजनेस के अंदर। अगर लेडीज चाहें तो इस बिजनेस के अंदर अपने हस्बैंड की हेल्प करके उसको स्पीड बढ़ा सकती है। अब फ्रंट से भी लीड भी कर सकती हैं लेडीज। अभी बहुत सारी लेडीज की एग्जांपल है, अगर आप अपने अपलाइन से पूछोगे तो कई सिंगल लेडीज डायमंड चली गई हैं अभी पिछले साल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेडीज के अंदर बहुत पावर है दोस्तों। हमारे से पहले उठती हैं, लेट सोती हैं। जहाँ हमारा काम खत्म हो जाता है लेडीज का काम शुरू होता है। आप तो खा के बर्तन रख देते हो, फिर वो उठा के लेके जाती है और उसके बाद का काम होता है। तो लेडीज कई कई काम इकट्ठे करती हैं और इस बिजनेस के अंदर अगर आप लेडीज को रिस्पेक्ट दोगे दोस्तों तो आपका बिजनेस की स्पीड बढ़ जाएगी। और पिछले कुछ सालों से मैंने अपनी वाइफ का साथ लेना शुरू किया, जो कि शुरू से मैं ढंग से नहीं साथ लेता था। मतलब मैं सोचता था कि मैं बिजनेस में आगे चलूंगा, ये पीछे चलेंगे, मेरे दिमाग में ये पिक्चर थी। लेकिन कुछ साल पहले, लगभग 4 साल पहले, मैंने दिमाग में, मेरे पास समझ आई कि नहीं, इकट्ठे चलेंगे। अगर ये मेरे से आगे भी चले तो भी कोई बात नहीं है। और दोस्तों आज उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम जो यंगस्टर हैं, ज्यादातर जो कुछ बड़ी एज वाले हैं, उनसे मैं ज्यादा इंटरेक्ट करता हूँ, वो सारे के सारे इनको फोन करते हैं, दीदी ये कैसे, दीदी ये कैसे, दीदी ये कैसे, दीदी। तो कई बार मैं मजाक में बोलता होता हूँ, मैं तो खुद लाइन लाता है। किसी का फोन आ जाए दीदी, रिश्तेदारी में किसी का फोन आ जाए गुरप्रीत, है ना, बच्चे फोन करेंगे मम्मी से बात करा दो। मैंने कहा भैया मैं कहाँ हूँ, पिक्चर में हूँ भी। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ हमारा बिजनेस बढ़ गया और मेरे दिमाग से कई चीजों का बोझ कम हो गया दोस्तों। जैसे पहले क्या होता था कि बंदे को स्पॉन्सर भी करो, उसको सिखाओ भी, उसका ध्यान भी रखो, कितने पीवी हो गए, वो किसको मिल रहा है, सब मैं करता था, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता था। अभी क्या होता है कि मैं ज्वाइन करा दिया और इनके साथ ट्यूनिंग हो गई, तो कई सारी चीजें ये सिखा देती हूँ कि कैसे रिटेलिंग करनी है, कैसे अगर उनकी टीम में कोई लेडी आ गई तो उससे कैसे बात करनी है। उनकी मदर्स को इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने, जितने यंगस्टर थे सबकी मदर्स को इन्वॉल्व कर लिया, तो मैं नहीं कर पाता वो। तो लेडीज बहुत पावरफुल होती है दोस्तों। और आज के सिनेरियो के अंदर, लास्ट में मैं बात करके फिनिश करूंगा बात को, आज का जो सिनेरियो चल रहा है, अब डिजिटल एज आ गई है, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। 4 गुना स्पीड हो जाएगी आपकी, कम से कम 4 गुना पहले से ज्यादा। आने जाने का समय बच गया आपका। एक बंदे को प्लान दिखाने जाते थे, गाड़ी उठाते थे, तेल फूकते थे, अभी घर पे बैठ के हो सकता है। अपने डेमोस बनाओ, अपनी अपलाइन से चेक कर लेना जो बात मैं बोल रहा हूँ। हमने क्या करा, अपने सारे लीडर्स को मैंने बोला कि अपनी सब डेमो बना लो, 2-2 मिनट की डेमो, न्यूट्रलाइट की एक डेमो, क्लिस्टर की एक डेमो, एसेट की एक डेमो, डेस्कटॉप की एक डेमो, ऐसे करके अपनी 2-2 मिनट की डेमो बना लो, प्लान करो जूम पे, और एक डेमो करो लाइव जूम पे, जो कि उसकी बीटाडिन वाली है, सी वाली, नेचुरल सी वाली, वो एक डेमो करो। और उसके बाद उनको बोलो कि हमारी बाकी जो डेमोज हैं उसके मैं वीडियो भेज रहा हूँ और आप अभी प्लान खत्म होने के बाद देख लीजिए, 15 मिनट बाद में दोबारा आपसे फोन पे बात करूंगा। और वो बंदा 15 मिनट में वो 2-2 मिनट की वीडियो सुनता है और फिर हम 15 मिनट बाद उसको फोन करते हैं। उससे क्या होता है कि उसका फॉलोअप भी हो जाता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और आपका काम भी कम हो गया पहले से। नहीं तो सारी डेमो फिर करो घर जाके, जब हम करते थे लोगों के, हर बार कैप्सूल खोलो 8-8, 10-10 रुपए का। अभी एक बार कैप्सूल खोला, डेमो बनाई और उसको भेज दी, और सबने अपनी अपनी बनाई है। मैंने ये नहीं करा कि मैंने अपनी वीडियो बनाई और मैंने, है ना, राजा जी बनने के चक्कर में सबको सेंड कर दी कि भैया ये लोगों को सेंड करो लो। मैं सबको बोला कि आप अपनी वीडियो बनाओ, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो जानकार हैं, वो आपके साथ ज्यादा रिलेट करते हैं तो आपकी वीडियो सुनेंगे वो। और जो वाइफ की वीडियो है वो बनाएगी, जो डिस्ट्रॉप या एसेट की, है ना, डेमो करनी है वो लेडीज करेंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने बिजनेस करना अभी शुरू कर दिया है दोस्तों। डिजिटल मीटिंग्स, है ना, मैं हफ्ते में एक करता हूँ, बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। ओवरऑल मैं सारी मीटिंग एक करता हूँ हफ्ते में, उससे ज्यादा नहीं करता, बाकी हम पर्सनल करते रहते हैं। तो आप भी अपलाइन से पूछ के जो आपको ठीक लगता है तो वो मीटिंग्स आप कीजिए दोस्तों। इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपका स्वागत है और आप अपनी स्पीड को जितना चाहो बढ़ा सकते हो दोस्तों, जितना चाहो बढ़ा सकते हो। जो प्रेडिक्शन हुई थी कि 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर होगा, मैं आपको बता दूं वो 2023 से पहले हो जाएगा, अगले 3 साल के अंदर हो जाएगा। इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ने वाली है, देखना आप कितनी डिमांड बढ़ेगी। अभी हमारे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है, इतनी डिमांड है उनकी। अभी देखो उसका एयर प्योरीफायर का आ गया, गवर्नमेंट ने कर दिया कि सारे जितने डेंटिस्ट है उसके अंदर लगेगा। अब कितने डेंटिस्ट है पूरी इंडिया के अंदर, कितने एयर प्योरीफायर लगेंगे, उसमें से हमारे भी तो जाएंगे। अभी मेरी बात चल रही है एक डेंटिस्ट के साथ। तो दोस्तों ये ऐसी और कई सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होंगी, देखना आप अगले महीने, उससे अगले महीने, उससे अगले महीने, 2-3-4 महीने के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। अगर आप उनको ग्रैस्प कर पाओगे और डिजिटल इसका फायदा ले पाओगे तो देखना आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी। और आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टीम की स्पीड क्या है। आप अपनी टीम में कौन सी वाइब्रेशंस भेज रहे हो जब आप मीटिंग कर रहे हो, क्या एक्साइटमेंट की वाइब्रेशन भेज रहे हो या सुस्ती से मीटिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें जाएंगी फोन के अंदर से भी। तो गेट अप, स्टार्ट हो सर। और सिंदर जी हम और परमिंदर दीदी अपनी कितनी हेल्प करती हैं दोस्तों, 38 क्लासें लगाई उन्होंने, इट्स नॉट ए जोक, लगातार इतने दिन, सुबह रोज 11 से 12 रोज डेली हम लोगों को उन्होंने अपना है ना अंदर सारा कुछ निकाल के दिखा दिया जो आज तक बिजनेस के अंदर किया एक्सपीरियंस था उनका। 38 दिन के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग आ गई है अपने पास, उसमें से बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जो अपने लोगों को भेज सकते हो। जैसे है ना लोक व्यवहार की एक दिन की वीडियो थी, लोक व्यवहार 1 घंटा उसी पे बोले थे सिंदर जी, क्या जबरदस्त वो ऑडियो है, मेरे ख्याल से 28वें या 29वें दिन की है वो भेजो किसी अपने नए बंदे को, फैन हो जाएगा वो, फैन हो जाएगा। यूज करो उन चीजों को। 3 कार्डिनल रूल की एक दिन की ऑडियो है उसके अंदर, जो लोग नए ज्वाइन हुए थोड़े दिन हुए उनको वो भेजो, क्या जी ये ध्यान से सुनो ये ऑडियो, अरे बेनिफिट लो इन चीजों का दोस्त। कई लोग ढंग से मीटिंग ही नहीं अटेंड करते। अभी मैंने एक बंदे को बोला कि भैया कहाँ हो, मीटिंग करना शुरू हो गई थी 8 बजे, तो मैं जी एक्सरसाइज करके आया था जी, अभी आ रहा हूँ, नहा रहा हूँ। अरे हाथ हो गई यार, आपकी अपलाइन मीटिंग कर रही है और आप अभी कह रहे हो मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ, नहा रहा हूँ, व्हाट इज दिस। पीछे रह जाओगे, क्यों? क्योंकि अपलाइन ने तो कोई और बंदा ढूंढ लेना, पीछे रह जाओगे दोस्त। और आने वाले समय में पैसे की सख्त जरूरत पड़ने वाली है सभी लोगों को। अभी तो EMIs के अंदर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी छूट दे दी है, सदा के लिए नहीं है वो, सदा के लिए नहीं है। इनकम कम हो जाएगी अभी लोगों की, एक्सपेंसेस वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, फिर क्या करोगे? जागो मोहन प्यारे, जागो और इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ जाओ, आपका बेनिफिट होएगा। तो दैट्स इट। अपने हमारी तरफ से, मैं और मेरी वाइफ, हमारी तरफ से आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर आपके जितने भी लोग हैं ये डबल हो सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अपने नंबर्स को डबल करो, अभी बहुत सारे नंबर्स रह गए थे। दूसरा फोन आप देख रहे हो ना, इस फोन के अंदर भी बहुत सारे, मैंने दूसरी मीटिंग आईडी क्रिएट करी क्योंकि सिंदर जी वाली आईडी के अंदर फुल हो गया था और बहुत सारे लोग हमारे बाहर रह गए थे ना, उस फोन के अंदर वो सुन रहे हैं इस मीटिंग को इस तरीके से। क्यों वो बाहर रह गए थे? क्योंकि वो 5-5, 7-7 मिनट लेट हो गए, इसलिए बाहर रह गए थे और उधर फटाफट 100 बंदे हो गए। अगर आप चाहते हो कि सीधा मीटिंग के अंदर आओ तो 10 मिनट पहले ऐड हुआ करो दोस्तों। तो नंबर्स बढ़ रहे हैं और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। और अब हम सब लोग मिलजुल के आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सिंदर जी एंड परमिंदर दीदी, थैंक यू। ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच। डायमंड सुनना चाहने दोस्तों आप सारे जाने, मेरे ख्याल डायमंड में सुनने हर एक बंदा चाहवान होता है। और साढ़े बीच बोपा राय जी ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है कि पूरे पंजाब दे विच नहीं पूरे इंडिया दे विच उन्होंने जो है इस बिजनेस को फैलाया है। और अपने विच उन्हों की वर्क एथिक्स बारे कुछ भी कहिए तो घट होंगे शब्द, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी विजडम साडे नाल शेयर करन। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड्स गोइंग क्राउन मिस्टर भूपिंदर सिंह एंड कमलप्रीत कौर बोपा राय जी फ्रॉम द्रोहा। जी सारे नूं सत श्री अकाल जी। माई सेल्फ भूपिंदर सिंह बोपराज। बहुत अच्छी पेस मीटिंग चल रही है आज, मतलब इतना बढ़िया दिन है, मतलब जैसे हम स्टार्ट हुए थे बिजनेस में तो हमारे पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि हम भी ऐसी मीटिंगों में पार्ट बनने के लिए उत्सुक रहते थे। हम सोचते थे कब हमारी ड्यूटी लगेगी, कब हमारा टॉपिक होगा, हम भी अच्छे लीडर की तरह बताएंगे। इसलिए हम बहुत सीखने की कोशिश करते थे, इसलिए हम हर रोज बुक्स पढ़ते थे, सीडी सुनते थे, तो हमारे अंदर बहुत चाह थी। आज मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को भी सुना, रॉबिन जी ने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया। उसके बाद मैडम गुप्ता मैडम जी ने बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया, मतलब जो भी लीडर से बहुत वंडरफुल थे। रितेश जी ने बहुत अच्छा, मैडम सुखजीत जी ने PDO में बहुत अच्छा बताया। फ्रेंड्स, यही होती है पेस मीटिंग। पेस मीटिंग का पार्ट बन के ही हम कामयाब हुए हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। माय सेल्फ भूपिंदर सिंह बोपराज, बेसिकली मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूं फ्रेंड्स। तो हमने भी एक दिन ऐसा डिसीजन लिया था, जैसे आप लोगों ने डिसीजन लिया हमने सोचा था, क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे थे उसमें बिजी भी बहुत थे, पैसा तो खूब बना रहे थे, पर जब मैंने ये बिजनेस के रिवॉर्ड्स देखे तो हमारे को मालूम हुआ भी जे बिजनेस से मिल सकता है, हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हम काम कर सकते हैं, या इतनी मेहनत कर रहे हैं, या अगले 10, 15, 20 साल और भी लगाएंगे, जैसे 25, 26 साल हो चुके थे। तो एक तरफ से ऐसे सोच लो कि हम ऐसे सोच रहे थे यार जो ड्रीम है वो ऐसे ही निकल जाएंगे, कभी पूरे नहीं होंगे, पर बट जैसे हमने जो बिजनेस देखा तो एकदम वो ड्रीम को जैसे चिंगारी मिल गई, जैसे पेट्रोल मिल गया। तो हमने तभी डिसाइड किया, हमने सोचा अगर मेहनत ही करनी है तो अगले 2-4 साल मेहनत करके बाकी रेस्ट लाइफ तो जिंदगी बढ़िया बना ले। तो हमने डिसीजन ले लिया, तो हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने देखा इस बिजनेस सक्सेस कैसे मिलती है। तो हमारे को हमारी अपलाइन जैसे विमल जैन जी ने, सिंदर जी ने, डॉक्टर ब्रायथ ने, मल्होत्रा जी ने, उन्होंने हमारे को गाइड किया बहुत, क्योंकि ये ऐसा एक बिजनेस है जहाँ ऑटोमेटिकली आपको एक बिजनेस गुरु मिलता है फ्रेंड्स। मेरे को सबसे बढ़िया बात ही ये इस बिजनेस में ये लगी थी भी जहाँ कोई हमारे को गाइड करने वाला है, हमारे को कोई कोच करने वाला है, हमारे को ये बताता है आपको ये काम करने के फायदे होंगे और ये काम करने के नुकसान होंगे। ये काम हमारे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं था, क्योंकि हमारे 4 बिजनेस थे, चारों बिजनेस में हमारे को आज तक कोई ऐसा इंसान, ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जो हमारे को गाइड कर सके। तो हमने यही सोच लिया कि जहाँ इतनी बड़ी संगत है, इतना अच्छा है, लोग बताते हैं और सक्सेसफुल लोग बताते हैं, और जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं वो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और उन्होंने वो मंजिल तय की है फ्रेंड्स। तो जब उन्होंने मंजिल तय किया, उनको जो रिवार्ड्स मिले हैं वही तो हमारे ड्रीम्स है। तो हमने उनकी बात माननी स्टार्ट की। तो हमारे को उन्होंने बोला आप ऐसी प्रेस मीट में आया करो, अपने आप को टॉपिक मांग के लिया करो, आप वॉलंटियर तौर के बोलो मेरी को ड्यूटी लगाओ। तो हम सिंदर जी को ऐसे ही बोलते रहते थे, सर मेरी ड्यूटी लगाओ, मेरे को बोलो कौन सा टॉपिक। तो फ्रेंड्स हम बहुत भाग्यशाली समझते थे, जैसे आज बहुत स्पीकर है, अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी से लगी है, इतने हजारों के टीम में, हजारों के ग्रुप में आपको एक मौका मिला है टॉपिक कवर करने का। तो हमारे को भी बहुत खुशी होती थी फ्रेंड। तो हमारे को हमारी अपलाइन बोलती थी जब भी पेस मीटिंग होती है तो आप पहले तो अपनी टीम का कोई ना कोई टॉपिक लो, अपनी टीम में कुछ लीडर्स को टॉपिक दिलवाओ और खुद अपनी पेस मीटिंग करो। और दूसरा क्या करना है, आपने करना है ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है पेस मीटिंग में। आपके जो ज्वाइंट पर्सन होते हैं, खासकर जैसे कवर किया था रॉबिन जी ने भी, 90 डेज का गोल होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ फ्रेंड, हमारी सक्सेस का राज यही है अभी फर्स्ट 90 डेज में हमने पहले तो खुद अपने ड्रीम बनाए, अपने गोल्स बनाए, जो हमारे ड्रीम्स थे उसके अकॉर्डिंग हमने गोल्स बनाए, छोटे छोटे गोल्स बना के अपलाइन के साथ बैठे, उनके साथ हमने काउंसलिंग की। और उससे भी ज्यादा काम हमने क्या किया भी हमने अपनी डाउन लाइन्स को, जो हमारी टीम में लोग थे, जो नए थे, उनको पेस मीटिंग के साथ जोड़ा। फ्रेंड मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस से, जितनी जल्दी आप अपनी टीम को पेस मीटिंग के साथ जोड़ दो और ज्यादा से ज्यादा पेस मीटिंग करो और उनको टॉपिक दो और उनको लीडरशिप में मतलब कमांड संभालो, तो आपके बहुत जल्दी लीडरशिप तैयार हो जाएंगे फ्रेंड। हमने ऐसे ही किया, अपनी अपलाइन की पेस मीटिंग में हम शामिल होते थे, उनसे सीखते थे कैसे पेस मीटिंग करती है, कौन से टॉपिक होते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे टॉपिक कवर करते हैं। तो वही चीज हम अपने घर में आके, अपनी टीम में आके, लोगों को इन्वाइट करके डुप्लीकेट करते थे फ्रेंड्स। मतलब ये बिजनेस ही क्या है, बहुत सिंपल बिजनेस है। इसमें जैसे डॉक्टर बड़ा बताते हैं ना, इस बिजनेस में करना क्या है, हमने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं और इतने वंडरफुल इसके रिजल्ट हैं, हमारे को बॉडी में होती है और लोगों को बताना सिंपल सा काम है। और ये प्रोडक्ट्स के जरिए हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमने वहां से एक ऐसी इनकम बनानी है जो हमारे को टेंशन फ्री कर सकती है। तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है और उनको बताना है इससे इनकम कैसे बनती है। ये तो 2 काम है इसमें, बाकी तो काम है इसमें लीडरशिप तैयार करने का। अगर आप अपने आप को लीडर तैयार करोगे तब आपकी कॉपी होगी, आपकी डुप्लीकेशन होगी फ्रेंड्स। मतलब मैं तो यही कहता हूँ, आप जितनी जल्दी आप अपने को डुप्लीकेट तैयार करोगे उतनी जल्दी आप अपने को सक्सेसफुल करोगे फ्रेंड्स। हमने इस बिजनेस में ज्वाइन किया, एकदम से हमने मेहनत की और एक टारगेट गोल रखा। हर साल हम कोई ना कोई टारगेट गोल रखते थे कि इस साल हम जे पिन अचीव करेंगे और जे हमारा टारगेट है अपलंग के साथ बैठते थे, उस गोल को हिट करने की कोशिश करते थे। कभी कभी गोल नहीं भी हिट होता था, हम रिवाइज करते थे, दोबारा उसको रीप्लानिंग करते थे। फ्रेंड्स, मतलब गोल होते हैं हिट करने के लिए, ऐसा नहीं हो हर बारी गोल हिट हो, क्योंकि ये गेम है। जैसे गेम में कभी हम हारते हैं, कभी जीतते हैं, पर हम गेम खेलते हैं। ऐसे ही ये बिजनेस है, गेम की तरह इस बिजनेस को खेलो। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को तो मैं तो ये बोलता हूँ, आप जैसे गेम में ना पार्टिसिपेट करते हो, देखो दो लोग होते हैं, एक तो ग्राउंड के बाहर बैठ के दर्शक बनते हैं, वो भी गेम का वो लुत्फ उठाते हैं, पर वो सक्सेस नहीं लेते, उनको वो रिवार्ड्स नहीं मिलते जो गेम के होते हैं बाद में। पर जब हम गेम के प्लेयर बनते हैं तब हमारे को वो रिवार्ड्स मिलते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को प्लेयर बनाओ, अपनी कमांड संभालो और अपनी खुद की पेस मीटिंग करो। उसके रिवार्ड्स हमने देखे, देखो आज हम डायमंड शिप पे है, पहले हमने देखो जो भी पिन दी, सिल्वर किया, गोल्ड किया, प्लेटिनम किया। आपकी तरह हमने जीरो से शुरू किया, आपकी तरह हमारे पास वही प्रोडक्ट थे, आपकी तरह हमारे पास वही लोग थे, आपकी तरह हमारे पास वही प्लान था जो आपके पास है। पर आप आज का तो सिस्टम ही बहुत बढ़िया है। आज तो जूम पे हम आज देखो कितनी दूर से हमारी टीम में, देखो आज बेंगलोर से भी, आज अहमदाबाद से भी कितने लोग, आप दिल्ली से भी, आप देखो कितनी कितनी दूर से जुड़े हुए हैं। नहीं तो पेस मीटिंग में आपके घर में तो वही आते जो 10-20 किलोमीटर के दायरे में थे। इतना बड़ा आज तो उससे भी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि आज एक ऐसा सिनेरियो आ गया, हम टेक्नोलॉजी यूज करें, टेक्नोलॉजी के ऊपर खुद को अपने आप अपने कमांड संभालें, अपने प्लान करें और रिवार्ड देखो। हर साल फॉरेन जाते हैं, लाखों रुपए आते हैं, आप टेंशन फ्री लाइफ है, इतना बढ़िया ग्रुप है, इतने लीडर्स हो चुके हैं टीम में, अपने आप सारे कमांड संभाल चुके हैं, डुप्लीकेशन हो चुकी है। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे पास हेल्थ है, हेल्थ के लिए आए थे, हमारे पास वेल्थ है, वेल्थ के लिए आए थे, हमारे ड्रीम थे फॉरेन घूमने का, हम 30 से ज्यादा कंट्री घूम चुके हैं, हमारा ड्रीम था एक परमानेंट टेंशन फ्री इनकम हो, वो भी आ चुकी है। फ्रेंड्स, हमारा ड्रीम है हमारी टीम में ऐसे लोग पैदा हो, हमारी टीम में ऐसे लोग हो जो प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाए और हमारे साथ हर साल फॉरेन ट्रिप में घूमे। तो हम तो जब सिंदर जी के साथ बैठते हैं और जब फॉरेन पे जाते हैं तो आपको बहुत मिस करते हैं, आपका एक एक का नाम लेके हम सोचते हैं यार नेक्स्ट ईयर तो हमारे साथ वो आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप आ सकते हो, आपकी मेहनत आपको रंग लाएगी, पर आपको कमिटमेंट दिखानी होगी, आपको काम को अपने हिस्से का खुद करना होगा। इस बिजनेस में वही चीज है, जो आप काम करोगे उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और जैसे अपलाइन बताती है वैसे ही करना चाहिए, जैसे हम करते हैं बिल्कुल अपलाइन की डुप्लीकेशन ऐसे ही हमारी डाउनलाइन को बताना चाहिए। रिवार्ड्स तो आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। हम पूरी फैमिली इस बिजनेस में है, मेरे बच्चे भी इस बिजनेस में है, हमारे बच्चे भी इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटे, हमारे सभी फैमिली डाल के इस बिजनेस को पूरे पैशन से, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा एमवे है। हमारे घर में शादी भी हुई है, हमारे घर दुख भी है, सुख भी है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी हमने एमवे को दी है। हर टाइम हमारे को सबसे पहला गोल हमारा एमवे होता है, उसके बाद सारे काम होते हैं। तो पूरी फैमिली रल के इस बिजनेस को करते हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस बिजनेस में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अभी तो आने वाला समय बहुत बढ़िया है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो गेम स्टार्ट हुई है। फ्रेंड्स, अभी तो देखो पार्टी शुरू हुई है, आने वाले समय में आप इतने इतने अच्छे रिवार्ड लोगे। और हम पूरी फैमिली रल के इस बिजनेस को करते हैं। मैं अभी आपको अपनी वाइफ के साथ मिलाता हूँ, वो भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, तो हम तो बहुत एंजॉय करते हैं इस बिजनेस को, तो आप भी करो। तो एंजॉय के करते करते आप बिजनेस में प्लेटिनम हो जाओगे, एमरल्ड हो जाओगे, डायमंड हो जाओगे, लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आपका जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू। बैक टू द कमलप्रीत बोपराज। थैंक यू सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया, आज का दिन वाकई बहुत स्पेशल है। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमको ये बिजनेस दिया, और सबसे बड़ा कि हम अपनी अपलाइन का बहुत थैंक्स करते हैं जिन्होंने ये बिजनेस दिखाया और हमको ये विश्वास दिलाया कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो और लोगों की हेल्प भी कर सकते हो और लोगों को भी इसमें कामयाब कर सकते हो। तो सभी अपलाइन का मैं बहुत थैंक्स करती हूँ। सबसे जो आज का दिन है, जो पेस मीटिंग है, मेरे को याद है कि हम बहुत बिजी होते थे तब, तो सर्दियों के दिन होते थे। जैसे ही हमको मैसेज आता था कि आज पेस मीटिंग है, तो हमको बिलीव करो इतना जैसे चाह होता है ना, वैसे ही होता था कि आज पेस मीटिंग है। तो हम वहां से अपनी अपलैन के घर से ड्रीम लेके आते थे कि हमारे घर में भी ऐसी पेस्ट मीटिंग होगी, हमारे भी ऐसे लीडर बोलेंगे तो हम उसके लिए क्लैपिंग करेंगे। तो ये ड्रीम का सब है कि हमारा ड्रीम होना चाहिए। आज कितना अच्छा सभी लीडर्स ने बताया, ऐसा लगता था कि हम इकट्ठे बैठे हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि हम जो सोचते हैं, सोचने से पहले हम किस माहौल में रहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को इस बिजनेस में आके, ये पेस मीटिंग में आके मालूम पड़ा, जब हम बड़े फंक्शन में जाते थे और बिलीव होता था। लेकिन मैं ये भी बात साथ में बोलूंगी कि ये है कि डर तब भागता है कि हम कामयाब नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा डर होता है हमारे अंदर। ये पहले का बिलीव बना होता है, उसको जब हमने ये बिलीव को, इसको बिलीव में चेंज करना है, जो हमारा डर होता है उसका एक की ही सलूशन है, वो है ऐसा माहौल होना चाहिए। हम बड़े फंक्शन में जाते थे, लेकिन उसका बाद क्या था, हम पेस मीटिंग में रेगुलर रहते थे। सबसे बड़ी बात थी कि इसमें बताया जाता है कि ड्रीम पे भी फोकस, जैसे हमारी सोच होती है वैसा माहौल बन जाता है। फिर हमारी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव होती है। जैसे हम अब कितना अच्छा लीडर से सुना, तो हमका विश्वास बढ़ता है, जैसे विश्वास बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है। तो मैं यही कहूंगी कि जो ये पेस मीटिंग है, इसमें हमको हमेशा रेगुलर रहना चाहिए, अपनी टीम को इसमें लाना चाहिए, और यही एक बेसिक है, कभी भी बेसिक को हम भूल नहीं सकते। तो आपको मिलके वाकई में बहुत अच्छा लगा, और परमिंदर दीदी का स्पेशल बहुत थैंक्स करते हैं, और सतिंदर पाजी दा थैंक यू, गो डायमंड गो क्राफ्ट, थैंक यू। वेट करते हैं हम आपको अपने ग्रीन रूम में, डायमंड रूम में आपकी वेट करते हैं। फटाफट अपना चार संभव तो हमारे साथ डायमंड रूम में आओ। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम। जब भी बोपराज जी को और कमलप्रीत जी को सुनते हैं तो मजा आ जाता है। मैं चाहूंगा कि मेरे वाइफ कुछ बातें करें आपके साथ। सानंद सचिका, मैं सर परमिंदर, मैं हाउस वाइफ हूँ। आज की मीटिंग के भी सारे लीडर्स ने प्रोडक्ट्स बारे बहुत अच्छा दस्या। रीना ने किड्स रेंज के बारे में बात की थी, तो थोड़ा नॉलेज दी थी। और लेडीज को स्मार्ट मदर बनना है, जिनके बच्चे छोटे हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं कि बच्चे कुछ खाते नहीं है, तो हमेशा आपने स्मार्ट मदर बनना है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड था पीडीओ के ऊपर बात की थी सुखजीत मैडम ने, बहुत अच्छा उन्होंने डिटेल में बात की थी। तो जो लोग इसको रेगुलर नहीं ले रहे, तो इन प्रोडक्ट को भी रेगुलर लेना शुरू करें। और फाउंडेशन प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी हैं। इन प्रोडक्ट्स को जब हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। और फिर रॉबिन जी ने हमें बहुत अच्छा बताया, तो मिस्टर एंड मिसेस गोपाल राय से बात की, तो उन्होंने आपको काफी विश्वास दिलाया कि इस बिजनेस में आप सभी ग्रो कर सकते हैं। वाकई में इस बिजनेस में हम सभी ग्रो कर सकते हैं, सिस्टम के साथ जुड़ के। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, टेक्नोलॉजी पे हम आ गए हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी हो रही है, बेस मीटिंग हो रही है, रेगुलर अपनी प्लान भी दिखाए जा रहे हैं। तो आपने अपना खुद का प्लान तैयार करना है ना, तो खुद ने आपने प्लान दिखाना सीखना है और डेमो सीखना है। खुद अपने बिजनेस का चार्ज खुद अपने हाथ में लेना है, क्योंकि अब आपका डिस्टेंस है आपके अपलाइन के साथ, तो आप मिल नहीं सकते, तो आपने खुद चार्ज लेके इस बिजनेस को करना है। तो दूसरा, आपकी अपलाइन आपको कितने भी मतलब के बोले कि ये बिजनेस बढ़िया है, इसमें आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जितनी देर तक आप अपने आप को इस बिजनेस के लिए तैयार नहीं करते, जो बिजनेस नहीं चल सकता। तो सेल्फ टारगेट जरूर कीजिए, अपने आप को सेल्फ टारगेट कीजिए कि इस महीने मैंने 90% लेवल पे पहुंचना है, 12% लेवल पे पहुंचना है, इस महीने मैंने सिल्वर करना है, इस महीने मैंने इतनी रिटेलिंग करनी है। सेल्फ टारगेट देके इस बिजनेस को आप बिल्ड कीजिए। हम लोगों ने भी इस बिजनेस के अंदर सेल्फ टारगेट दिए थे। हम सबको समझ आ गया कि एमवे बिजनेस होम बेस बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ये अपलाइन हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है, तो खुद हमने बिजनेस को बिल्ड करना है। तो सेल्फ टारगेट देके इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और आपके साथ पूरी सपोर्ट है आपकी अपलाइन की, तो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने में। अगर मैं रिवार्ड्स की बात करूं तो इसके रिवार्ड्स बहुत बढ़िया हैं। जितनी हम मेहनत करते हैं उससे कहीं दुगने इसके रिवार्ड्स हैं। हम लोग 20 साल से इस बिजनेस में हैं। स्टार्टिंग के दिनों में हमने मेहनत की थी इस बिजनेस में, क्योंकि इस यहाँ पे ना एमबी ऑफिस था, ना ब्रिट ऑफिस था, ना इतनी कामयाबी थी। तो हमको विजन क्लियर हो गया था इस बिजनेस का कि इस बिजनेस को हम बिल्ड करके इस बिजनेस के अंदर डायमंड भी जाना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा नेम फेम लेना है। तो हमने सेल्फ टारगेट अपने आप को दिया कि हमने इस महीने इस लेवल पे पहुंचना है, इस महीने इस लेवल पे पहुंचना है। हर महीने अपने टारगेट लेवल अचीव कीजिए। तो इससे क्या है, अपने आप को खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि इस बिजनेस में हम ग्रो कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिए कि आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी इस बिजनेस इसमें आके कि आप खुद सब कुछ कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट्स की मूवमेंट हो रही है, अपने ग्रुप का चार्ज आपने अपने हाथ में लिया है। तो हम सभी लोग इस बिजनेस में जो काफी देर से हैं अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। हम सभी रिवार्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इस बिजनेस में। दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं, हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं, नेम फेम है, रेकॉग्निशन है, अपनी मनमर्जी की लाइफ है। बस दिल करता है कितने बजे उठना है, दिल करता है सोना है, दिल करता है काम करना है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कोई बंधन नहीं है कि आपने हर रोज ही काम करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन लंबे में काम करना है, हर रोज काम करना है, कितने घंटे काम करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, किस आवर में कितना भी आप उसके अंदर मतलब काम कर सकते। ये आपकी भूख है कि आपने कितनी जल्दी कामयाबी लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी आपकी अपलाइन तो आपको गाइड कर रही है। बहुत मजा ले रहे हैं हम, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज जूम मीटिंग के ऊपर एमबी पूरी सपोर्ट कर रही है। ब्रेड की हम सारे लीडर्स मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, घर बैठ के हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कोई हमने बाहर नहीं जाना है ना, तो ये अपने घर में बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जब भी हम लोगों से टाइम मांगते थे, लोग हमें बोलते थे कि नहीं हम बिजी हैं बिजी हैं, अब तो सभी लोग फ्री हैं, है ना, कहीं जाना नहीं है, किसी ने आना नहीं है। टाइम लेके उनको मीटिंग दिखाओ, वहाँ पे प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट डेमो करो। और आजकल तो लोग एमबी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको एमबी के बारे में ज़्यादा बताओ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस आपने कितनी जल्दी बिल्ड करना है ना। तो इसके रिवार्ड्स बहुत बढ़िया हैं। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे उससे कहीं ज्यादा रिवार्ड्स इसके अच्छे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, बिजनेस को पैशन से बिल्ड कीजिए। बहुत बढ़िया बिजनेस है, हम आपके साथ हैं। तो हम गोल्ड बीचिंग पे खुद को एंजॉय करेंगे। गोल्ड डायमंड को ओके दोस्तों, कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी अगर हमें डायमंड जाना है। जरा चैट में लिख के बताओ कि कौन कौन डायमंड जाना चाहता है। कम ऑन फास्ट, 1 मिनट का पॉज लेते हैं और चैट पे जरा फटाफट लिखिए जो डायमंड जाना चाहते हैं। लेट अस सी कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं। ऑलराइट, वेरी नाइस। लेट अस कम, देखिए कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं। फटाफट जरा चैट पे लिखिए। सर वो होस्ट को ही आ रहा है मैसेज। एवरीबडी इज राइटिंग यस, एवरीबडी इज राइटिंग यस, वेरी नाइस। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। ठीक है, आपको डायमंड जाना है। जब भी पूछा जाता है तो सभी लोग बोलते हैं हमें डायमंड जाना है। सवाल तो यह है कि कब जाना है। सवाल तो यह है कि अगर आपने जाना है तो क्या आपकी जगह पे कोई और मेहनत करने को तैयार है। सवाल तो यह है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या डायमंड जाया जाएगा। अब देखिए, जो लोग इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर टिक के नहीं बैठे, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग की, जिन्होंने अपने ग्रुप को बढ़ाया, जिन्होंने जूम का फायदा लिया, टेक्नोलॉजी का फायदा लिया, वो लोग इस लॉकडाउन पीरियड में भी उतना ही चेक उन्होंने लिया जितना कि वो पहले लेते थे। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन पहली बात, क्या आपने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी तक तैयार की है या नहीं। नोट कर लीजिए पॉइंट दोस्तों। पहला पॉइंट, क्या आपने अभी तक अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, क्या आप टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख गए हो कि नहीं, क्या आपके पास अपनी जूम की आईडी है कि नहीं। तीसरा सवाल, क्या आप जूम की आईडी को यूज करते हुए प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो या प्लान दिखा रहे हो या डेमो कर रहे हो या नहीं। चौथा सवाल, क्या आपने अभी तक टेक्नोलॉजी पैक को सब्सक्राइब कराया है या नहीं। पांचवा सवाल, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी पैक है तो क्या आप उन सीडीज को सुनते हो या नहीं। बनाइए सभी चीजों की चेकलिस्ट। अगला सवाल, क्या आपने आज तक कभी किसी प्रोस्पेक्ट को टेक्नोलॉजी पैक के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग सीडी भेजी है या नहीं। क्या आपने अभी तक अपना फेसबुक पेज बनाया है या नहीं। क्या आप फेसबुक के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग करना जानते हैं या नहीं। क्या आपने अभी तक कोई प्लानिंग की है कि किस महीने के अंदर 21% पे पहुंचना है, 10,000 पीवी पे पहुंचना है। क्या आपने इस महीने के अंदर 2 महीने जो लॉकडाउन पीरियड में थे, क्या कभी आपने अपलाइन को ये पूछने की कोशिश की कि मेरा ये टारगेट है इस महीने में, कैसे पूरा किया जा सकता है। इन सवालों के जवाब लो दोस्तों, मुझे जरूरत नहीं है इन सवालों के जवाब की, ना आपके अपलाइंस को है। आपकी जरूरत होनी चाहिए कि आप खुद को ये जवाब दीजिए। और अभी तक अगर ये काम नहीं किए हैं तो मैं नहीं तो कौन, अभी नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या। दोस्तों बहुत बढ़िया, लेकिन करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होने वाला है। आज की मीटिंग बहुत बढ़िया रही है और नेक्स्ट मीटिंग में जैसे कि रॉकी जी ने बताया नंबर्स डबल होने चाहिए एंड हम इसको यूट्यूब लाइव भी करेंगे। आज हमने जानबूझकर यूट्यूब लाइव नहीं की थी, जस्ट वांट टू सी कि क्या कितने बंदे जुड़ते हैं, लेकिन हम हैरान हो गए कि तकरीबन 100 का तो ये फुल था, उसके अलावा भी मुझे काफी लोगों ने फोन किया कि हम लोग नहीं जुड़ पाए। तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगली मीटिंग पे जो अगले वेडनेसडे को होगी इससे बढ़िया मीटिंग होगी, इससे बढ़िया टॉपिक कवर होंगे एंड वी विल डू YouTube live also. With these words, we are done here. Thank you so much. Thank you to all the speakers and thank you Ravinder ji for the hosting. Oh, sorry, Tarun ji. Okay, thank you sir for this wonderful session and thank you to all the participants जिन्होंने अपने business insights हमारे साथ आज share किए. Really wonderful meeting रही और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. तो माय डियर फ्रेंड्स आज हम इस मीटिंग को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर से मिलेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू.